हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल चौहान और स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पर आज इतिहास की सीरीज का मैं नया सेशन लेकर आया हूं, जो कि है रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक मैसेज लेकर आया हूं। अगर यूपीएससी एस्पायरेंट्स एक थॉरो तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू उनके लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है। स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन पर एक थॉरो कोर्स है यूपीएससी सीएससी के लिए, जिसमें 1300 से ज़्यादा जो है वो उनको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। डेली उनके लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे उनको उनके डाउट्स के। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं उनकी जितने भी न्यूज़ हैं उनके क्रक्स जो है वो उनको डेली लेवल पर देखने को मिलेंगे। सो अगर एस्पायरेंट्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं एक थॉरो, एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम के लिए, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन पर जाकर। सो आइए अब शुरू करते हैं आज का सेशन, जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो 1857 का रिवॉल्ट भारत के इतिहास में एक लैंडमार्क है। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद भारत में मॉडर्न टाइम्स शुरू हुए। जैसे कि मैंने आपको पिछले एक सेशन में बताया था कि किस तरह प्लासी की बैटल के बाद, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है अकॉर्डिंग टू देम कि प्लासी की बैटल के बाद भारत में मॉडर्न टाइम्स शुरू हुए। अब 1857 के विद्रोह के लिए कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो आइए सबसे पहले हम 1857 के विद्रोह के लिए एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक क्वेश्चंस। सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला देखिए, सवाल है, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हाउ डिड इट इफेक्ट द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया आफ्टर 1858। सो इस पहले क्वेश्चन के माध्यम से ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमें नेचर ऑफ रिवोल्ट को समझना है, इस रिवोल्ट का नेचर कैसा था। अब यहां पर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इस्तेमाल किया गया वर्ड का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवोल्ट। क्या ये रिवोल्ट केवल सिपाहियों का एक विद्रोह था? क्या सिपाहियों को, जन जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉमन पीजेंट्री है, क्या उसका सपोर्ट था? क्या ये केवल एक फ्यूडलिस्टिक जो राजा है उनका अंतिम अप्रोच था अपना वापस फ्यूडलिज्म क्रिएट करने का और अंग्रेजों को हटाने का, या क्या ये एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल था, पहला इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था? तो ये काफी सारे स्पेकुलेशंस हैं नेचर को लेकर कि रिवोल्ट था किस तरह का। उसी को लेकर ये पहला सवाल है। देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द ब्रिटिश पॉलिसी। 1858 के बाद की जो ब्रिटिश पॉलिसी रही भारत के लिए, उसको रिवोल्ट ने कैसे इफेक्ट किया? क्यों? क्योंकि इस रिवोल्ट ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। अंग्रेजों को यह बात तो पता चल गई कि अगर इस तरह का रिवोल्ट अगले आने वाले 5-7 सालों में एक बार फिर से आ गया तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। दैट मीन्स 1858 के बाद अंग्रेजों को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी थी और इतनी जल्द वो पॉलिसीज बनानी थी ताकि इस तरह का रिवोल्ट जो है वो अवॉइड कर सके आने वाले 1 या 2 दशकों में, जब तक वो अपनी सिचुएशन को वापस स्ट्रेंथन ना कर लें भारतीय उपमहाद्वीप में। सो वो पॉलिसीज हमें समझनी है कि 1858 के बाद के लिए ऐसी क्या पॉलिसीज अंग्रेजों ने बनाई जिससे उनका रूल अनदर 90 ईयर्स तक जो है वो लगातार चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द होल इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कमेंट। अब ये स्टेटमेंट दी गई है भारतीय इतिहासकार आर सी मजूमदार द्वारा और ये पूछा गया है, यूपीएससी मेन्स का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर क्लियरली बोला गया है कि क्या जो आरसी मजूमदार है उनका पॉइंट यह था कि जो नेचर ऑफ रिवॉल्ट सिंपली वो एक सिपाहियों की म्यूटनी थी, वो कोई पहली बार विद्रोह नहीं हुआ था, वो कोई नेशनल इंडिपेंडेंस का वॉर नहीं था, जैसा कि यहां पर स्टेटमेंट में आप पढ़ पा रहे कि सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पर कीवर्ड्स क्या है? नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ना ही ये पहला था, दैट मींस इससे पहले भी हुए हैं विद्रोह, ना ही ये नेशनल था, दैट मींस ये भारत के एक एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्टेड रह गया, और ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए वॉर था, यानी कि इस वॉर में लड़ने वाले, इस स्ट्रगल में जो जिन लोगों ने स्ट्रगल किया उनके इंटेंशंस जो है वो भारत को आजाद ना कराकर कुछ और थे। तो इस सवाल का भी हम जवाब ढूंढेंगे कि आरसी मजूमदार साहब ने ऐसा क्यों कहा है। आज हम पूरे रिवॉल्ट को समझेंगे, पूरे नेचर को समझेंगे रिवॉल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है,
द न्यू एटीट्यूड ऑफ कॉशन एंड कंजर्वेटिज्म कैन बी डिटेक्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ ब्रिटिश एक्टिविटी इन इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जैसे कि मैंने पहले सवाल में बताया कि रिवॉल्ट के बाद जड़ें हिल गई थी अंग्रेजों की, दैट मीन्स अब उनको जो हर कदम उठाना है वो बहुत क्रिटिकली उठाना और बहुत बारीकी से उठाना है, दैट मीन्स कोई गलती की गुंजाइश उनके उनकी साइड से नहीं थी। सो वही ये सवाल पूछना चाह रहा है कि ऐसे क्या स्टेप्स उठाए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट अपराइजिंग इन 1857 वाज नेशनलिस्ट इन नेचर, इफ नॉट व्हाट वाज इट्स कैरेक्टर। अब यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ द रिवॉल्ट के बारे में एक और सवाल है कि क्या ये नेशनलिस्ट नेचर का था या नहीं था, या कुछ और थे मोटिव्स रिवॉल्ट करने वाले लोगों के। सो यहाँ पर हमें कैरेक्टर और नेचर ऑफ रिवॉल्ट समझना है। आज हम घटनाओं के माध्यम से समझेंगे कि पहले घटनाएं क्या क्या हुई और फिर सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए हम एक कंक्लूजन प्रिपेयर करेंगे नेचर ऑफ रिवॉल्ट का। नेचर ऑफ रिवॉल्ट भी हम देखेंगे अलग अलग इतिहासकारों के मतों के हिसाब से कि भारतीय इतिहासकारों ने क्या बोला, अंग्रेजी इतिहासकारों ने क्या बोला, भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकारों ने क्या बोला, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा देखेंगे आप, द म्यूटनी ऑफ 1857 वॉज मच मोर अ म्यूटनी ऑफ सिपॉयज एंड मच लेस देन अ नेशनल रिबेलियन। सो इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ रिवॉल्ट पे सवाल उठा है, एक बार नहीं लगातार उठा है। दैट मींस हमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी नेचर ऑफ रिवॉल्ट। उसके अलावा ये सारे फैक्ट्स हैं कि कहाँ पर हुई, कहाँ से शुरू हुई, इन सारे फैक्ट्स को तो हम कलेक्ट करेंगे ही, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना है कि नेचर क्या था रिवॉल्ट का, और वो रिवॉल्ट के नेचर को समझने के लिए हमें रिवॉल्ट के कारणों को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम अब देखते हैं कि रिवॉल्ट के कारण क्या थे। तो उसमें सबसे पहले हम पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों को देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेज। सो पहला पॉइंट है द अग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, द पॉलिसी ऑफ अग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही थी। मैंने आपको बताया प्लासी के बाद बक्सर, और बक्सर के बाद उन्होंने लाइन से जितनी भी उनके लिए खतरे थे, जो भी एम्पायर, उन सबको सबड्यू किया। दक्षिण में उन्होंने कैरनेटिक वॉर के माध्यम से दक्षिण के जो बिल्कुल जो कैरनेटिक और मालाबार और तंजौर वाला जो एरिया, वो उन्होंने कब कंट्रोल में लिया, हैदराबाद निज़ाम को कंट्रोल में लिया, सरकार उनका कंट्रोल में आया। अब उनके लिए यानी कि जो ईस्टर्न घाट है वो उनके कंट्रोल में है, वेस्टर्न घाट में कौन है, मराठास है, मराठास को सबड्यू करना है। बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया तो बंगाल का पोर्ट आ गया, उसके अलावा उन्हें जयपुर का पोर्ट अपने, गुजरात का पोर्ट अपने कंट्रोल में करना है, राजस्थान के राजपूतों को अपने कंट्रोल में लाना है, मध्य भारत यानी कि जो मालवा का क्षेत्र और उसके नीचे जो नर्मदा वैली का जो एरिया है उसको अपने कंट्रोल में लाना है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा भारत की जो फिजियोग्राफिकल कंडीशन है वो उसका भारत के इतिहास को शेप करने में क्या रोल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि भारत जो है वो एक प्रायद्वीप है, दैट मीन्स तीन डायरेक्शन से पेनिजुला है भारत का, जो मेनलैंड के नीचे जो पेनिजुलर पार्ट है वो तीन डायरेक्शन से घिरा है पानी से, समंदरों से, महासागर से, राइट। एक डायरेक्शन में ऊपर जो है वो क्या मौजूद है, हिमालय, राइट। नॉर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा जो है वो हिमालय की वजह से प्रोटेक्टेड है। भारत में एंट्री करने के लिए बच जाता है केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। सो द नेचुरल ओपनिंग फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ओनली द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। लेकिन भारत के अंदर की जो डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, जैसे कि भारत के मेनलैंड के बीच में जो नर्मदा वैली की वजह से यहाँ पर जो विंध्या रेंजेस है जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो बांट रही है, ये एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करती है और आज ये की रोल प्ले करेगी। हम देखेंगे कैसे 1857 के रिवॉल्ट के केस में। आगे देखते हैं नेक्स्ट इस पॉइंट को देखेंगे। नाउ द पॉलिसी ऑफ अग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ ईस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कास्ट सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ वेरियस लोकल रूलर्स। नाउ जो लोकल रूलर्स है वो घबरा गए, क्यों, क्योंकि पॉलिसीज थी अंग्रेजों की जैसे कि इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। ये कुछ ऐसी नीतियां थी अंग्रेजों की, मैं आपको समझाऊंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम एक डलहौजी के बारे में अलग से लेक्चर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू देता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत में अंग्रेजों ने युद्ध लड़े, है ना, दक्षिण भारत में उन्होंने कर्नाटक में युद्ध लड़े और कूटनीति के माध्यम से उन्होंने कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम को अपने सब्जुगेशन में ले आए। वो ये दो एम्पायर उनके कंट्रोल में, तो बाकी सब दक्षिण भारत उनके कंट्रोल में। अब उनके लिए बंगाल, सो प्लासी और बक्सर के युद्ध से उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जितना भी हाईली प्रोडक्टिव एरिया है सब अपने कंट्रोल में लिया।
अवध को उन्हें बफर बना के रखा, क्यों? क्योंकि मराठों के साथ जो है वो अवध को बफर की तरह यूज किया जा सकता था। एक बफर स्टेट बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है अंग्रेजों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बफर क्रिएट करते हैं सब्सिडरी अलायंस से, वो राजाओं के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करवाते हैं राजा को। दैट मीन्स राजा अपनी अपनी सेना को एक्सरसाइज नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन मैटर में बगैर अंग्रेजों से पूछे। उस पर्टिकुलर एरिया के राजा को अंग्रेजों की पूरी बात माननी पड़ेगी, अंग्रेजों की सेना उसके एरिया में डेप्यूटेड होगी, लेकिन अगर उस पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो वो अंग्रेजों की डिस्क्रिशन पे है, वो सहायता करे उस राजा की या ना करे। तो सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से बेसिकली अंग्रेज जो जो नेटिव राजा है वो एक नॉमिनल हेड बन के रह जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों को ट्रेड करने के लिए नेटिव रूलर्स की जरूरत है, क्योंकि जो लोकल लेवल पर ट्रेडर्स हैं, जो जो पीजेंट्री है, वो लोकल लोगों से कॉरेस्पॉन्ड करेंगी, अंग्रेजों से नहीं करेगी। इसलिए उनको लोकल लोगों को अपने अथॉरिटी में रखना है। एक समय आएगा जब उनके हाथ से वो अथॉरिटी छीन लेंगे वो बड़ी आराम से। 1858 में उन्होंने छीन ली, अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया। बहुत सोच समझ के चले वो, देखते जाइए। सो सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे राज्यों को अपने सब्जुगेशन में लिया। उसी तरीके एक सब्सिडरी अलायंस उन्होंने अवध के साथ भी करी, अलाहाबाद की ट्रीटी में, राइट? तो अवध को एक बफर बनाया ताकि अवध जो है वो मराठों के खिलाफ एक प्रोटेक्शन की तरह काम करे, एक शील्ड की तरह काम करे, क्योंकि बंगाल और मराठों के बीच में अवध आ जाएगा तो बंगाल जो मराठे जो है वो बंगाल को हनन नहीं कर सकते, यानी कि जो अंग्रेजों का ट्रेड है बंगाल में उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मराठे अभी बड़ी शक्ति हैं, अंग्रेजों को अभी और बड़ी शक्तियों से उलझना है। अंग्रेज धीरे धीरे दक्षिण में उन्होंने मैसूर को कंट्रोल किया, राइट? मराठों को घेरने के लिए दक्षिण में मैसूर कंट्रोल किया और ऊपर से राजपूतों को सबड्यू किया, सबके साथ सब्सिडरी अलायंस करी। जिनके साथ सब्सिडरी अलायंस कर सकते थे उनके साथ सब्सिडरी अलायंस करी, जिनके साथ युद्ध लड़ सकते थे उनके साथ युद्ध लड़ा। यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बिठाया अपना। सबसे पहला था उनके पास ऑप्शन कि ट्रेड के माध्यम से वो अपनी जगह बनाए, राइट? फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध के माध्यम से जीता, और फिर एक युद्ध के माध्यम से बड़े बड़े एरियाज को जीत लिया उन्होंने, और जितने भी बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स है वहां पर युद्ध लड़े उन्होंने। ऐसा नहीं है उन्होंने कि व्यर्थ में लड़ाई करी, सब कुछ उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया। बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स को उन्होंने युद्ध के माध्यम से जीता, और फिर उसके बाद जो उस उन इकोनॉमिक सेंटर्स पर डिपेंडेंट जो छोटे राजा थे उनके साथ सब्सिडरी अलायंस किया, और फिर फिर जो बाकी बचे हुए राजा थे जो बिल्कुल ही छोटे छोटे एम्पायर थे जिनको केवल धमका के काम चलाया जा सकता था, उनके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का इस्तेमाल किया। सो पहले युद्ध, फिर सब्सिडरी अलायंस, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो ये जो है वो सारे हमारे नेटिव राजा बैठ के देख रहे थे कि अंग्रेज बहुत बड़ा और लंबा गेम खेल रहे। तो जो बाकी बचे हुए राजा थे या जिनका राज्य छीन लिया गया था, अब वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपना राज्य वापिस ले लें। क्यों? क्योंकि उनकी डिबॉचरी, उनको ऐशो आराम की इतनी आदत थी। अब अंग्रेजों ने सिर्फ पीजेंट्री को ही नहीं लूटा, नवाबों को भी, जमींदारों को भी, सबको लूटा। अब जमींदार भीख मांगने में शर्माए कि कैसे भीख मांगे, जमीनें छिन गई, महल छिन गए, कुटियों में रहना पड़ गया उन्हें, राइट? उनको उनकी पेंशनें नहीं मिली उन्हें टाइम से। सो धीरे धीरे जो है वो अंग्रेजों ने पहले तो पेंशनें बांटी, फिर अंग्रेजों ने पेंशनें बांटनी बंद कर दी। अब कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने मार्केट अपने कंट्रोल में ले लिया। हमें तुम्हारी तब तक जरूरत थी जब तक मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं था। अब मार्केट पर डायरेक्ट कंट्रोल हमारा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, पेंशन बंद करो, राइट? तो ये सारे जो है वो डिसकंटेंट और डिस्ट्रेस के कारण थे, पॉलिटिकल कारण थे। उसके अलावा मुगलों के साथ दुस्सलूक किया गया, राइट? नाना साहेब के साथ दुस्सलूक किया गया। नाना साहेब, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर लिखा है, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर वर अनेक्स्ड। इन सारे राज्यों को अनेक्स किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलोजी द्वारा इस्तेमाल की गई पॉलिसी, हड़प की नीति से। उसके अलावा बहुत सारे राज्यों में जो वहां के प्रिंसेस हैं उनको बोल दिया गया कि आप अब सक्सेस नहीं करेंगे, आप अब नहीं बनेंगे यहाँ के राजा, यहाँ के सम्राट, यहाँ के नवाब, जो भी आपका ओहदा है वो आप नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने आमीनों को बिठाएंगे, अपने आमीने सदर यानी कि अपने डेप्यूटी, अपने ऑफिशियल्स को यहाँ पर हम उनकी डेप्यूटेशन करेंगे और हम चलाएंगे अब एडमिनिस्ट्रेशन, आप अब बैठिए। शुरू में उनको पेंशनें दी, बाद में उनकी पेंशनें भी बंद कर दी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, अवध वॉज अनेक्स्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द गुड ऑफ द गवर्न्ड। अवध के नवाब के मर जाने के बाद उन अवध को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया गया, ये बोलकर कि उनकी जनता के लिए हमारा सेशन ठीक है। उसके अलावा कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है कि अगर सरकार जनता के साथ कुछ बुरा कर रही है तो जनता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, और कहीं नहीं जा सके तो।
अगर सुप्रीम कोर्ट ही मौजूद नहीं होगी, दैट मीन्स कहने का मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसको जिसके पास अपने ग्रीवियंसेस लेकर जा सकते हैं भारतीय है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेजेंट ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण बना। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश भी हो गई, फिर भी कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं थी जिसके पास अपने ग्रीवियंसेस लेकर जा सकते हैं भारतीय, नॉट इवन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बैठे जो अंग्रेज हैं वो भी भारतीयों का साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उसके अलावा कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इतना करप्शन था, खासकर पुलिस में, जिस मर्जी को चाहे उसको अरेस्ट करें, जिस मर्जी की चाहे जमीन छीन लें बगैर किसी कारण के, राइट, जिस मर्जी के साथ जो जिस मर्जी को जो भी चार्ज लगाएं वो, और उसको मारे पीटे और उसको अरेस्ट करें, मतलब अंग्रेज जो है वो किसी की शर्म नहीं कर रहे थे। कोई भी नवाब हो, कोई भी कितना बड़ा जमींदार हो, सब अंग्रेजों के लिए भारतीय बराबर थे। अंग्रेजों ने डिस्क्रिमिनेशन भारतीयों के साथ इस लेवल पर बहुत कम किया, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अगर वो किसी का तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पीजेंट का भी करेंगे वो एक नवाब का भी करेंगे, वो एक जमींदार का भी करेंगे, वो एक मनहंत का, वो एक सामंत का भी करेंगे। सो दीज वर द पॉलिटिकल कॉजेज, भारत में फैली हुई ये सारे राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से भारत की जो रूलिंग क्लास थी वो परेशान थी अंग्रेजों से। पॉलिटिकल कारण रूलिंग क्लास को इफेक्ट डाल रहे हैं, जो इकोनॉमिक कारण है उसने पीजेंट्री क्लास को इफेक्ट में डाला। अब देखते हैं इकोनॉमिक कारण क्या क्या है। देखिए पहला ही है, कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ट्रेड ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कपड़े का जो ट्रेड था, जैसे कि मैंने बोला भारत में कॉटन, भारत का कॉटन, भारत से मुजलिन, ये भारत और भारत का सिल्क, ये कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जो पूरी दुनिया में फेमस थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में शुरुआती फेज क्या था अंग्रेजों का, कि वो भारत से प्रोड्यूस्ड जितना भी गुड्स है उसको आप वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, भारत से जितना भी गुड प्रोड्यूस हो रहा था उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको नेटिव रूलर्स को पैसे देने पड़ते थे और ट्रेड के लिए दस्तक चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने बंगाल को कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि बंगाल वॉज द मेजर एक्सपोर्टर। उन्होंने बंबई को कंट्रोल कर लिया, उन्होंने मद्रास को कंट्रोल कर लिया। दीज थ्री पॉइंट्स वर द मेन, लेट्स से कि ये जो तीन कोस्टल लाइन्स है, यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं बहुत सारे, ये मेन पॉइंट थे जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था। अगर यही उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो एक्सपोर्ट उनके हाथ में आ गया। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, उन्होंने भारत के एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया। इससे हुआ क्या, अंग्रेजों के पास अथाह संपत्ति आई, उस संपत्ति और पैसे का इस्तेमाल किया उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके, उन्होंने खुलकर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया यूरोप में। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, यूरोप के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों ने भारत से तैयार माल खरीदने के बजाय भारत से उन्होंने कच्चा माल खरीदना शुरू किया। और अब उनको खरीदने की, उनको तैयार करना है यूरोप में, दैट मीन्स वहां पर उन्होंने लागत लगानी है। दैट मीन्स भारत में उनको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि बहुत ज्यादा सस्ते रेट पर उनको कच्चा माल मिल जाए, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया भारत में। अब बंगाल को पॉलिटिकली अधिकृत किया, मद्रास को पॉलिटिकली अधिकृत किया, ताकि और फिर उसके बाद अपने जो चलता आ रहा है जमींदारी सिस्टम उसको हटाया और अपने लैंड रिफॉर्म सिस्टम लेकर आए, ताकि भारी मात्रा में कर लगाया जा सके लोगों पर, और जो माल वो, जो कच्चा माल वो खरीदते थे, अब वो केवल कर के माध्यम से उन्हें फ्री में मिल जाए। तो ये बहुत एक्सप्लॉयटेशनरी जो है वो नीति थी अंग्रेजों की, जो कि उनके फायदे के लिए डिजाइंड थी, उनकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करने के लिए थ्रू आउट दुनिया में जहां जहां पर उनकी कॉलोनीज हैं। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में है, यूरोप के जो सामंत हैं वो चाहते हैं भारत से बिल्कुल सस्ते दाम में दें, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप के सामंत है उनको कच्चा माल बेच रही है। पहले यूरोप के सामंतों को तैयार माल बेच रही थी, अब यूरोप के सामंतों को कच्चा माल बेच रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन भारतीयों को पहले फायदा हुआ, क्योंकि भारतीयों को पहले जो है वो उनके सामान के बहुत अच्छे रेट मिलते थे यूरोप में, और अब तो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, जमीन से भी नहीं जाना पड़ रहा था। तो जो डायरेक्ट कनेक्शन था समुद्री मार्ग से, उससे भारत में बहुत ज्यादा सोना चांदी इकट्ठा हुआ। अब उस सोना चांदी को वापस अंग्रेज ले गए अपने साथ इन द सेकेंड फेज ऑफ देयर ट्रेड, जिसमें वो तैयार माल को ना ले जाकर भारत से कच्चा माल ले गए, और जो भी उन्होंने मटेरियल, जो भी उस कपड़े से उन्होंने, जो भी यहां से जो टेक्सटाइल ले गए उससे जो उन्होंने प्रोसेस किया और वेरिएबल क्लोथ जो प्रिपेयर किए, उन वेरिएबल क्लोथ को उन्होंने भारत में आकर बेचा, और भारतीयों को उन्होंने धोती कुर्ते के बजाय शर्ट पैंट की आदत डालनी शुरू करी, और एक मिडल वर्ग बनने लगा जिसको उन्होंने तैयार किया अपने हिसाब से। जैसे मैंने बोला ना 1857 के
सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मैंने आपको समझाया है कि किस तरह मिडल वर्ग जो है वो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। क्यों? क्योंकि मिडल वर्ग जो है वो अंग्रेजों द्वारा प्रोड्यूस्ड जितने भी कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका आदि हो चुका है। अंग्रेजों द्वारा बसाया हुआ जो सिस्टम है वो यहीं से ही बस रहा है, वो इस उसी बसते हुए सिस्टम को हम समझ रहे हैं। सो यहाँ पर पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया आपको, द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ट्रेड ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक, यहां पर इंडियन सोसाइटी वर्ड का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि फैब्रिक जो है वो ग्राम लेवल से प्रोड्यूस हो रहा है, गांव गांव में जो खेतीहर हैं वो जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कॉटन को प्रोसेस करके जो वो कपड़ा बना रहे हैं वो पुराने टाइम की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, सल्तनत टाइम में और मुगल टाइम में वो कपड़ा बड़े शहरों में जाता था और बड़े शहरों में उस पर कढ़ाई बुनाई और उसको प्रोसेस किया जाता था। जैसे कि बंगाल है, लखनऊ बंगाल के बड़े शहर हैं, है ना, जैसे मुर्शिदाबाद मुंगेर वगैरह और लखनऊ वगैरह, ऐसे बड़े शहरों में वो कपड़ा प्रोसेस होता था और फिर वो प्रोसेस्ड कपड़ा जो है वो यहां से ले जाते थे अंग्रेज। लेकिन अब वो सब बदल गया, पूरा का पूरा उन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम बदल दिया। तो ये एक बदलाव जो आया है इकोनॉमी में भारत के, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो भारत की पीजेंट्री को हुआ, वही समझना है हमें कैसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पीजेंट्री वर नेवर रियली टू रिकवर फ्रॉम द डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द न्यू एंड हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम जो लेके आए वो तीन मुख्य है, महालवाड़ी, रायतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट। ये जो तीन मुख्य जो रेवेन्यू सिस्टम लेके आए, दैट मींस मैंने आपको बताया ना कि पहले उनको दस्तक के माध्यम से खरीदना पड़ता था, अब उन्होंने ऐसा सिस्टम सेट करना था कि उनको डायरेक्टली ही मिल जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल कंट्रोल किया, पॉलिटिक्स अपने हाथ, यानी कि शासन जो है वो अपने हाथ में लिया। अब अगर शासन उनके हाथ में है दैट मींस जनता उनके सबॉर्डिनेशन में है, अब जैसा वो कानून बनाएंगे जनता को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, जेल में डाल दिया जाएगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, सजा मिलेगी उन्हें, राइट, उनसे जमीनें छीन ली जाएगी। सबसे बड़ा डर क्या है, जमीनें छीन लेने का। तो एक नया जो नया रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेज लेके आए कि जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनसे जमीनें छीनी जाएं, जो जमीन रहित किसान बनाए जाएं, जो लैंडलेस फार्मर जो क्रिएट किया गया, यानी जमीनें जो छीनी गई और फिर वो जो वफादार जमींदार हैं अंग्रेजों के उनको दी गई, और उनकी भी वफादारी पे ये कंडीशन डाली गई कि अगर आप दिए हुए समय पर सूरज ढलने से पहले अगर आप इतना कर हमें नहीं देते हैं तो लाइन में और जमींदार खड़े हैं आपकी इस जमीन के ऊपर हमें कर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कंडीशन डाल दी उन्होंने जमींदारों पर, जितने भी गाँव के लेवल के जो किसान थे उनसे जमीनें छीन ली गई, भूमिहर किसान हो गए। अब भूमिहर किसान क्या करे, मजदूरी करे, मजदूरी करने के लिए उसे क्या चाहिए अब उसको, और अंग्रेजों ने बोला कि हमें कैश में चाहिए, हमें काइंड में नहीं चाहिए, दैट मीन्स आप ये नहीं कि आप अनाज प्रोड्यूस करके लाएंगे हमारे पास, उसका क्या करेंगे, हमें पैसा चाहिए। तो अब उसको बेचने के लिए भी अंग्रेजों की मार्केट में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में मोनोपोली भी अंग्रेजों की है, तो अंग्रेज जितना रेट देंगे भारतीयों को उतना ही रेट लेना पड़ेगा, राइट। सो इन सब कारणों की वजह से जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो पीजेंट्री क्लास है, वो दब गई। तो ये जो महलवाड़ी, रायतवाड़ी और जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसकी वजह से एक ऐसी क्लास ऑफ जमींदार प्रिपेयर हुई जो कि खुद तो शहरों में रहती थी और जो पीजेंट्री थी वो लैंडलेस बन गई, और वो जो जमींदार है उनके लिए भी सेफ नहीं था माहौल। जब चाहे वो तब बदल सकते हैं, जब चाहे वो अंग्रेज जब चाहे उन जमींदारों से जमीन छीन सकते हैं, जमींदार भी सेफ नहीं है। तो जमींदार भी इस चीज से थोड़े बरगलाए हुए थे कि हमारे साथ कभी भी जो है वो छीना छपटी हो सकती है जमीन की। सो नेक्स्ट इज, इम्पावरिश्ड बाय हैवी टैक्सेशन द पीजेंट्स रिजॉर्टेड टू लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड अनश्यूरियस रेट्स। सो कहने का मतलब ये कि अब किसी को कर देना है, राइट, उसको समय दिया, उस जमींदार ने, दो सिस्टम है, या तो सरकार यानी कि अंग्रेजों और पीजेंट के बीच में जमींदार होंगे जैसे परमानेंट सेटलमेंट में, या तो जैसे रायतवाड़ी में है पीजेंट्स और सरकार का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। दोनों ही केसेस में टैक्सेशन जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, इतना ज्यादा कि जो किसान है वो पूरा नहीं कर सकते, या तो वो खुद जी पाएंगे या तो वो टैक्स दे पाएंगे, दोनों में से एक काम होंगे। तो बहुत सारे किसान जिनके पास जमीन थी या जिनके पास जमीनें नहीं भी थी वो ये टैक्स पूरा करने में कामयाब नहीं रह पाते थे। तो जीवित रहने के लिए या सजा से बचने के लिए या अपनी जमीन को बचाने के लिए उनको सूदखोरों से लोन लेना पड़ता था पैसा। सूदखोर कहा जाता है जो बैंकर्स होते हैं जो लोन देते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था सूदखोर।
तो उन्हें सूदखोरों से टैक्स लोन लेना पड़ता था, और वो लोन उन्हें बहुत ज्यादा दर पे दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पे भी धीरे धीरे अंग्रेज अपना मोनोपोली कर रहे थे। भारत के जो बैंकर्स थे उनको धीरे धीरे अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले रहे थे। क्यों? क्योंकि बैंकर्स के पास पैसा बहुत था। तो इस माध्यम से भी अंग्रेजों ने बहुत बड़े लेवल पर कंट्रोल किया। जितने भी किसान हैं वो फंस गए एक बहुत बड़े चक्कर में डेप्ट के। अगर वो डेप्ट चुका पाए तो ठीक, नहीं चुका पाए तो कंसीक्वेंसेस। अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितने किसान मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किसान जो है वो पॉवर्टी की वजह से उन्होंने जान दी, भुखमरी की वजह से उनकी जान खत्म हो गई। उन खेत के खेत जो है वो गाँव के गाँव छोड़कर लोग जंगलों में चले गए, जहां 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 पर अंग्रेजों की होल्ड नहीं थी भाग के लोग उन क्षेत्रों में जाके सेटल हो गए। तो गांव के गांव खाली हो गए इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की वजह से, और जो पीजेंट्री क्लास है भारत की वो बहुत ज्यादा दब गई। उसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला ओल्डर सिस्टम जमींदारी वाज फोर्स टू डिसइंटीग्रेट, ओल्डर सिस्टम खत्म कर दिया गया। एक तो बात है हमारी किसानों की, और दूसरी है भारतीय दस्तकारों की। जो भारतीय आर्टिस्ट हैं और जो हैंडीक्राफ्ट, जो पूरा का पूरा बिजनेस था, इकोनॉमी चलती थी हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, वो सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो बर्तन लोग हाथ से बनाते थे, अब बर्तन जो है वो प्रिपेयर्ड आ रहे हैं अंग्रेजों के। भारत में जो सामान प्रिपेयर्ड होता है उसके ऊपर बहुत महंगी ड्यूटी लगा दी अंग्रेजों ने। यानी कि अगर किसी भारतीय व्यापारी को एक्सपोर्ट करना है भारतीय सामान, तो बहुत महंगा पड़ेगा उसे, पहली बात। दूसरी बात, जहां पर वो एक्सपोर्ट कर रहा है उधर उसको बहुत महंगा पड़ेगा उस देश में एक्सपोर्ट करवाना। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि भारत से गुजरात का कोई व्यापारी है और अगर वो तांबे के बर्तनों या सिल्वर के बर्तनों का जो हैंडमेड है भारत के, उनका एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत से, तो पहली बात तो उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, मान लीजिए उसको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना है, वहाँ पहुँचाना है, तो वहाँ पर इंग्लैंड में भी बहुत महंगा खरीदा जाएगा उससे। तो इससे बेटर है या तो वो इम्पोर्ट करने का काम शुरू करे अंग्रेजों का, या तो वो अपना धंधा बंद कर दे, क्योंकि इंपोर्ट करना जो है वो सस्ता पड़ गया उनको एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट करना। तो इससे हुआ क्या कि भारत से एक्सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे बंद हो गया और भारत में इंपोर्ट बढ़ गया, और जो कच्चे माल का एक्सपोर्ट है उसको मोनोपोलाइज कर लिया अंग्रेजों ने। तो भारत से कच्चा माल कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? मेनली अंग्रेज। भारत में इंपोर्ट कौन कर रहा है? अंग्रेज, और अंग्रेज के अलावा बाकी कोई भी इंपोर्ट करो, क्योंकि फायदा तो उससे अंग्रेजों को ही हो रहा है। और भारत से एक्सपोर्ट करना इतना महंगा कर दिया गया कि भारत में जो तैयार सामान है उसका मार्केट धीरे धीरे खत्म हो गया। इससे हुआ क्या, जितने भी बड़े बड़े सेटलमेंट्स हैं, जो शहर थे, वहां पर जो आर्टिस्ट लोग हैं वो तुरंत बेरोजगार हो गए, एक नहीं तो अगली जनरेशन में बेरोजगार हो गए। आज भी आर्टिस्ट जो हैं वो भारत में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपना कैरी करते आ रही हैं हुनर, और वो बहुत बेहतरीन सिस्टम था। क्यों? क्योंकि हमें बहुत वेल क्वालिटी के जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलते थे। लग्जरी मशीन के बने हुए सामान में नहीं है, लग्जरी हैंडमेड प्रोडक्ट में। खैर लग्जरी अपना अपना पर्सपेक्टिव है देखना, लेकिन जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है उससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। भारत के जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले जो दस्तकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। वो पूरा का पूरा वर्क खत्म हो गया, शहर के शहर में लोग बेरोजगार हो गए। अब उनको रोजगार, उनके पास स्किल है लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए रोजगार नहीं है, तो उनको मजदूरी पर उतरना पड़ा या ऐसे काम करने पड़े जो कि बहुत कम पे कर रहे हैं उनको एज कंपेयर टू देयर स्किल, जिस तरह की स्किल उनके पास है। तो ये इससे क्या हुआ है कि ये जो भारत के दस्तकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो क्लास भी धीरे धीरे सप्रेस होती गई। उसके बाद इंडियन ट्रेड एंड मर्चेंटाइल क्लास वाज डेलिबरेटली क्रिपल्ड। मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है वो जो ट्रेड है उनके लिए नामुमकिन कर दिया, एक्सपोर्ट उनके लिए नामुमकिन कर दिया। वो इंपोर्ट कर सकते हैं, अब इंपोर्ट करने के लिए उनको पैसा चाहिए, पैसा उनके पास है नहीं। अगर वो बिजनेस ही नहीं करेंगे तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? वो इंपोर्ट करेंगे और फिर वो भारत में बेचेंगे, वो भी बहुत सस्ता पड़ेगा उन्हें। तो प्रॉफिट मार्जिन भारतीय व्यापारियों के लिए बहुत कम हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला, एट द डेलिबरेटली क्रिपल्ड बाय द ब्रिटिश हु इम्पोज्ड हाई टैरिफ ड्यूटीज ऑन इंडियन मेड गुड्स, एट द सेम टाइम द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन टू इंडिया अट्रैक्टेड लो अफेयर्स, दस एनकरेजिंग देयर एंट्री इन टू इंडिया। तो बाहर से आने वाला सामान जो है वो भारत में बड़े लेवल पर आने लगा। सो ये सब देखे हमने इकोनॉमिक कारण, अब हम देखते हैं सोशियो रिलीजियस कारण क्या थे। आइए अब बात करते हैं सोशियो रिलीजियस कारणों की। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अंग्रेज जो हैं वो पॉलिटिकल अधिकरण कर रहे हैं, दैट मीन्स सोसाइटी पर भी वो असर डालेंगे ही अपना। सोसाइटी को वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से सोसाइटी डेवलप हो,
अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनानी है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइप की सोसाइटी चाहिए, जिसमें एक मध्यम वर्ग चाहिए आपको, जो कि जैसा जैसा रूलिंग क्लास कहे वैसा उसको करना पड़े, अदरवाइज उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। अब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेटअप करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे भारत के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, उनके साथ जो है वो उन्होंने खिलवाड़ करना शुरू किया। आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि रेशियल ओवरटोन्स एंड अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द नेटिव इंडियन पॉपुलेशन। अंग्रेज भारतीयों को ब्लैक, ब्राउन, निगर, पिग, मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब कि डिग्रेड करने वाली संज्ञाओं से बुलाते थे, और एक भी मौका नहीं छोड़ते थे अंग्रेज भारतीयों की बेइज्जती करने का, सिंपल सी बात। और भारतीयों को यह एहसास कराने का कि वो सिविलाइजेशन के माध्यम में अंग्रेज जो है वो सुपीरियर है और आप बारबेरियन हो, आप अभी भी एक कबीलई माहौल में रहते हो और हम आपको सिविलाइज्ड कर रहे हैं। तो एक समाज में क्लियर डिफरेंस था। इनफैक्ट कई जगहों पर तो इतना ज्यादा था कि भारतीयों को सड़क पे चलना भी अलाउड नहीं था। जो अंग्रेजों द्वारा जो सड़क बनाई गई है, जो टारमेट बिछाया गया, उस पर भारतीय नहीं चल सकते। जहां पर अंग्रेजों के पब्लिक प्लेसेस है वहां पर भारतीय नहीं जा सकते, अगर भारतीय जाए तो उनको सजा मिलती थी बहुत कठोर। तो ये भारत की ही भारत ही देश में, हमारे देश में आकर वो हमारे ही जितने पब्लिक प्लेसेस हैं उसको उनको अपनी इंपॉर्टेंस का प्लेसेस बनाया और हमें ही वहां पर विजिट करने से रोकने लगे। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ऐसा नहीं है कि केवल जो पीजेंट्री क्लास है उसके लिए, लेकिन लगभग सभी लोगों के साथ। कुछ एक ऐसे लॉयलिस्ट वर्ग रहे जो अंग्रेजों के साथ जुड़े रहे, ठीक है, देखेंगे आज हम वो लॉयलिस्ट वर्ग कौन बने। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्टिविस्ट एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज हु फॉलोड द ब्रिटिश फ्लैग इन इंडिया। नाउ 1813 के बाद भारत में अंग्रेजी मिशनरी आना शुरू हुए, 1813 के चार्टर के बाद। उन मिशनरीज में ने भारत में लोगों को यह बोलना शुरू किया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके लिए अचानक से सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जो अंग्रेजी सरकार है वो आपके लिए तैयार हो जाएगी, आपको जैसे यूरोपीय क्रिश्चियंस है, जैसे गोरे क्रिश्चियंस है, वैसे ट्रीट करना शुरू कर देंगे हम। इतना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं था उनके साथ, लेकिन जो रिलेटिवली अन्य भारतीय हैं, अन्य धर्म के भारतीय हैं, उनसे अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिलना शुरू हो गया। तो एक बड़े मास में लोगों ने कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। तो इससे जो भारतीय जनता है वो आहत हो गई कि ये तो हमारे धर्म को खतरा पहुंच गया। एक जो धर्म को खतरा जो नोशन है, ये जो मध्यकालीन भारत है इसमें बहुत स्ट्रांग इमोशन था, और खासकर ये जो शुरुआती मॉडर्न एज है इसमें धर्म को खतरा एक ऐसा पॉइंट था जिस पर जनता लड़ने मरने को तैयार हो जाती थी। तो धर्म को खतरा जो पॉइंट है यहां पर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना लोगों के डिसकंटेंट का। उसके अलावा जो इंडिया में चली आ रही बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए समान की चीज थी, जैसे सती अदरवाइज बहुत क्रूअल और बहुत बुरा है, कभी होना ही नहीं चाहिए था, तुरंत कंडेम कर दिया अंग्रेजों ने, बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन भारतीय समाज ने इसको एज अ अपमान की तरह लिया, क्यों? क्योंकि सती होना भारतीयों के लिए एक बहुत सम्मान की बात थी। तो अगर सती प्रथा भारत में खत्म हो रही है तो भारतीयों के लिए ये एक बहुत ज्यादा अपमान की बात थी कि हम जो है वो, हमारी महिलाएं अब सती नहीं हो सकती, हमारा वो स्टेटस नहीं है। सती होना भी आप समझ रहे हैं स्टेटस का काम है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि विडो रीमैरिज का काम, जैसे सती प्रथा को अबॉलिश किया विलियम बेंटिक ने, विडो रीमैरिज का काम भी शुरुआत किया विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, उसको फाइनली जो है वो कंप्लीट करने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया। उसके अलावा महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करी गई, यानी कि समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारना जो राजा राम मोहन राय ने, और जो एनलाइटेंड वॉयसराय कहा गया जिन्हें, विलियम बेंटिक, उन्होंने मिलकर ये जो काम किए हैं ये भारतीय समाज को अच्छे नहीं लगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी जो मेल्स हैं केवल वही ऐसे काम करें जिससे घर में कमाई आए, ठीक है। तो ये वैसे गलत है, अच्छा काम कर रहे थे वो कि समाज के हर स्तर के लोगों को जो है वो उनकी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं तक ही जुड़ा रहा, जो समाज के अन्य बहुत सारे स्तर हैं, और खासकर जो डिसयूनिटी पैदा करने की हर जगह अंग्रेजों ने कोशिश करी कि जो हिंदू है उसमें भी क्लासेस में डिसयूनिटी बनी रहे, कुछ एक स्पेशल क्लास के लोगों को हम प्रिविलेजेस दे दें, जमींदारों को, पंडितों को हम प्रिविलेजेस दे दें, ताकि बाकी सब क्लास जो है वो बटी रहे।
राइट। तो ये भारत के समाज के साथ खेलना जो है वो अंग्रेजों ने आते ही शुरू कर दिया था। जब अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन आया इंडिया में 1773 में, तब से ही शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये जो डर है कि धीरे धीरे भारत में धर्म चेंज करा देंगे, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है। देखिएगा, दीज फियर्स वर कंपाउंडेड बाय गवर्नमेंट्स डिसीजन टू टैक्स मॉस्क एंड टेंपल। मस्जिदों और टेंपल्स पे टैक्स लगाएंगे अंग्रेज, तो इससे जो है वो भारतीय और ज्यादा दुखी हो गए। उसके अलावा रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 क्या बोलता है, विच मॉडिफाइड हिंदू कस्टम्स, फॉर इंस्टेंस डिक्लेयरिंग दैट अ चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज हीदन फादर। यहां पर क्लियर बात लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म चेंज करता है तो वो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने धर्म चेंज कर लिया तो वह अपने पिताजी की भूमि को अब इनहेरिट नहीं कर सकता, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भारत की जो आम चलती आ रही जो रीतियां हैं उनके साथ अंग्रेजों ने छेड़छाड़ करनी शुरू करी। और ऐसा क्यों कर रहे थे अंग्रेज? क्या वो भारतीयों के लिए भला चाहते थे? कुछ नहीं, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब वो भारत में धीरे धीरे एक मध्यम वर्ग क्रिएट करना चाह रहे थे, एक ऐसा मध्यम वर्ग जो पाश्चात्य लेवल पर एजुकेटेड हो। और अगर वो वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेटेड है तो वो वही सब आइडियाज जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो एक सोशल कंस्ट्रेंट प्रोड्यूस करता है, जिसके एक सोशल बबल प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर रहकर ही सोचता है एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, वो चाहते थे भारत में क्रिएट हो एक लॉयलिस्ट वर्ग क्रिएट हो। लॉयलिस्ट वर्ग केवल जो जमींदार है वो ना रहे। क्यों? क्योंकि जमींदारों को ज्यादा प्रिविलेजेस देनी पड़ी अंग्रेजों को और वो खर्चा था अंग्रेजों के लिए। जो मध्यम वर्ग है वो अंग्रेजों पे डिपेंडेंट भी रहेगा, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा और उसकी संख्या भी बड़ी होगी एज कंपेयर टू द एलीट क्लास। तो इसलिए उन्होंने मध्यम वर्ग को भी लात मारी, पीजेंट्री को भी दबा के रखा, मिडिल क्लास को उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। और मिडिल क्लास के लिए उन्होंने ऐसे जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, या उसके अलावा जितने भी भारत में नए रिफॉर्म्स लेके आए, वो लाइक अगर ट्रांसपोर्टेशन भारत में इंप्रूव कर रहे हैं, भारत में इंजीनियरिंग को लेकर आ रहे हैं, भारत में मेडिकल साइंसेज को लेकर आ रहे हैं वेस्टर्न, भारत में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज थियोलॉजीज को लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए अट्रैक्ट जो है वो मध्यम वर्ग हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जैसा कि सोसाइटी में होता ही है कि मध्यम वर्ग जो है वो सोचता है कि वो अपर क्लास की तरह दिखे। पहले उन्होंने अपर क्लास को अपने साथ लिया, अपर क्लास को अपनी तरह ट्रेन करना शुरू किया, और फिर समाज में जो ऐसे हिस्से थे जो कि कंज्यूम करने के लायक उनके पास कमाई थी, वो धीरे धीरे मिडिल क्लास बनते गए। जब मिडिल क्लास ठीक ठाक मोटे बैंड पे प्रिपेयर हो गया, अपर क्लास को भी लात मार दी उन्होंने, उनके सारे भत्ते सब बंद कर दिए, सब खत्म कर दिए। तो ये सब सोची समझी चाल थी अंग्रेजों की। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि बाहर हो रही घटनाओं का क्या असर था भारत में। भारत, ये सब हम कारण क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम ये समझें कि भारतीयों में जो डिसकंटेंट है, जो रोष है, वो क्यों है, और भारतीयों में विद्रोह करने का जोश कहां से आया जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज अजय नहीं है। जब अफगान वॉर में अंग्रेजों की हार हुई, ऑकलैंड जब जीत नहीं पाया, दो बार इनफैक्ट अफगानियों ने धूल चटाई, पंजाब में बहुत मुश्किल से जो है वो कंट्रोल कर पाए पंजाबियों को अंग्रेज, और उसके अलावा टर्की में भी अंग्रेज जो है वो जीत नहीं पाए जब अंग्रेजों से, टर्किश लोगों से। तो पूरी दुनिया को यह बात क्लियर हो गई कि अंग्रेज जो है वो अजय नहीं है, उनसे जीता जा सकता है, जैसा वो क्लेम करते हैं। अंग्रेज ये क्लेम करते थे कि हम अजय हैं, आप लड़कर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमारे आगे सब्जुगेट कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। लेकिन अफगानियों ने जो हराया उससे सबको बात पता चल गया कि नहीं, हम भी अब विद्रोह कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण बना। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिपाहियों को क्या इश्यू था अंग्रेजों के साथ, क्योंकि जो इमीडिएट कारण कॉमन नॉलेज में माना जाता है रिवॉल्ट का, वो है सिपाहियों द्वारा प्रोड्यूस की गई स्पार्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब जो सिपाहियों के अंदर जो रोष है वो केवल एक दिन का था। जैसा कि आरसी मजुमदार ने भी कहा है कि इट वाज नॉट द फर्स्ट रिवॉल्ट। सिपाहियों की अगर आप म्यूटनी बोलते हैं तो सिपाहियों ने पहले भी म्यूटनी करी है, ठीक है। हम सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जब हम नेचर ऑफ रिवॉल्ट पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि अलग अलग इतिहासकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन खैर, अभी पहले हम सारे तथ्य रख लेते हैं अपने सामने, फिर कंक्लूजन प्रिपेयर करेंगे, फिर हम सारे कॉन्सेप्ट को मोल्ड करेंगे कि क्या है, राइट। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स, यानी कि अंग्रेजों ने
शुरू शुरू में, जब शुरू शुरू में उन्होंने भारतीयों को भर्ती करना शुरू किया, तो अगर वो पगड़ी पहन रहे हैं, अगर वो ताबीज पहन रहे हैं, अगर वो ऐसे रिलीजियस मार्क्स पहन रहे हैं, राइट, जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे कि मैंने क्या कहा आपको कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना सिस्टम सेटअप किया, जब उनको ऐसा लगा कि हमारा सिस्टम इतना कंफर्टेबल है कि अब हम कुछ भी चाहे इम्पोज कर सकते हैं इनके ऊपर, तब उन्होंने सारी सेना को मना कर दिया कि आप किसी भी तरीके का ऐसा मार्क नहीं पहनेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, जनेऊ नहीं पहनेंगे, ताबीज नहीं पहनेंगे, बाल लंबे नहीं करेंगे, कड़ा नहीं पहनेंगे, मतलब ये सारे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आप ऐसे सिंबल्स नहीं पहनेंगे जिससे आपका धर्म पता चले, आप केवल अंग्रेजों के कलर्स पहनेंगे, अंग्रेजों की वर्दी पहनेंगे, वही आउटफिट आपकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। तो सब इससे जो है वो जो सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि ये जो जो सिंबल पहनना, धर्म का सिंबल पहनना एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी भारतीयों के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बात, सेना में भर्ती कौन हो रहे थे? सेना में भर्ती हो रहे थे जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं या जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, मोस्टली शूद्रों को कोई जगह नहीं थी। अगर शूद्र आ जाए सेना में तो ब्राह्मण साफ साफ मना कर दे। सो दैट मींस जो कास्टिज्म है भारत का, वो अंग्रेजों की सेना में भी मौजूद था। और अगर कास्टिज्म है तो कास्ट के सिंबल भी आ जाएंगे, नॉट जस्ट इन हिंदू रिलीजन, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो भी, सिख भी, उसके अलावा जैन और अगर बुद्ध धर्म के लोग भी कुछ, वैसे तो इनका धर्म अलाउ ही नहीं करता इनको हिंसा करने की, तो इस धर्म से नहीं भी आए। प्लस इस धर्म के लोग जो है वो मुख्यतः ट्रेड से जुड़े हुए थे। खैर, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, टू द रिलीजियस हिंदू ऑफ दैट टाइम क्रॉसिंग द सी मेंट लॉस ऑफ कास्ट। यहां पर आपको देखनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग एक कानून लेकर आया जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी रिक्रूट्स हैं उन सबको बाहर टाइम सर्व करना पड़ेगा, यानी इंडिया से बाहर जो है वो उनको रहना पड़ेगा। अब इंडिया से बाहर जाएंगे वाया वो समंदर, राइट, जमीन से जा नहीं सकते क्योंकि अफगान के साथ लड़ाई है, उसके बाद टर्की के साथ लड़ाई है, जमीन के मार्ग से जा नहीं सकते। इसीलिए वो अफगान को जीतने की कोशिश कर रहे थे ताकि जमीनी मार्ग उनके कंट्रोल में आ जाए, राइट। सो अब यहां पर हुआ क्या अगली चीज कि जो भारतीय कास्ट सिस्टम के हिसाब से अगर आप समंदर पार कर लेते हैं, राइट, समंदर का अगर आप मंथन कर लेते हैं, समंदर को अगर आप बांध लेते हैं ना, समंदर पार करने का मतलब समंदर बांधना हो गया उनके हिसाब से, राइट, उस समय की जो प्रचलित भावना थी या धारणा थी उसके हिसाब से। तो अगर आप समंदर पार करते हैं तो आपका हिंदू धर्म जो है वो हिंदुत्व अकॉर्डिंग टू योर कास्ट, आपका कास्ट खत्म हो जाएगा, आप शूद्र बन जाएंगे। तो ये सभी भारतीयों के लिए, ये सभी हिंदुओं के लिए ये समस्या थी, इसलिए वो बाहर जाने से हिचकिचाते थे। लेकिन उनको बाहर भेजा गया और जब वो वापस आए तब उनको उनकी कास्ट में कंसीडर नहीं किया गया, उनको आउटकास्ट माना गया। ऐसा एग्जाम्पल हमें अफगान वॉर में देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि अफगान वॉर में जिन भारतीयों को लेकर जाया गया, और अब जब वॉर की कंडीशन होती है तो खाना लिमिटेड होता है, तो जैसा खाना परोसा जाता है सेना को खाना पड़ता है, राइट। तो वहां पर क्या होता है, अफगानिस्तान में वॉर के समय में क्या ट्रेडिशन था कि एक ऊंट को मारकर उस पूरे के पूरे ऊंट को पका लिया जाता था एक बड़े से बर्तन में, एक कमरे जितने बड़े बर्तन में ऊंट और चावल पका लिया जाता था और सब उस ऊंट को खाते थे, राइट। ऊंट से बड़ा जानवर उनके पास नहीं था, वो उसको भी मार लेते वो। दैट मीन्स सेना को अपने रिसोर्सेज को बचा कर चलना पड़ता है। जब हजारों लोगों को खाना खिलाना है तो ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब हिंदू जो है वो अपने खान पान के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो तो जात पूछ के पानी पीते हैं। तो जो लोग भारत से बाहर जाकर खा पी कर आए, क्योंकि भारत में जब तक थे तो उनके लांगरी उनके हिसाब से खाना बना देते थे, लेकिन भारत से बाहर उनको समस्या हो गई। अब जो अफगानिस्तान की युद्ध से लड़कर जो भारतीय बाहर आए थे उनको भारतीय समाज ने आउटकास्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत में अफवाह फैल गई कि ये उल्टा सीधा मीट खाकर आए हैं भारत में, इन्होंने गलत लोगों के हाथ से जो है वो पानी पिया। तो कहने का मतलब उनकी कास्ट के हिसाब से वो शूद्र बन गए, अपनी कास्ट से वो शूद्रों में आ गए और शूद्रों में भी अछूत बन गए वो। तो अब जो लोग अफगानिस्तान से वापस आए थे उनमें से बहुत सारे सैनिकों ने ये बोला कि हमें जो है वो हमारे बिरादरी क्या हमारा परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए बाहर जाने से कतरा रहे थे। ये भी जो है वो बहुत बड़ा डिसकंटेंट था सेना के अंदर कि अगर हम बाहर जाएंगे तो सब शूद्र बन जाएंगे। और शूद्र आज के डेट में हमारा समाज थोड़ा रिपेयर हुआ है, पूरा नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा रिपेयर हो गया, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी ये भावना, और खासकर अंग्रेजों ने इस भावना को बहुत ज्यादा प्रोपेल किया था। वो मैं अलग सेशन में समझाऊंगा कि किस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स ने
ऐसे क्या कदम उठाए जिससे भारत में कॉम्यूनल डिसहार्मनी जो है वो क्रिएट कर रही उन्होंने धीरे धीरे, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम इन सब चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोर इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या है, हमने दीर्घकालीन कारण देखे, जो हमने इकोनॉमिक कारणों में देखे, इमीडिएट कारणों में देखते हैं कि जो भत्ते नहीं मिल रहे थे, राइट, एक भत्ते का कारण भी था कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के बराबर सैलरी नहीं मिल रही थी। एक भारतीय सैनिक को एक मामूली 7 रुपए सैलरी मिलती थी जिसमें वो गुजारा नहीं कर सकता था। एक भारतीय घुड़सवार को मामूली 30 से 40 रुपए सैलरी मिलती थी जिससे जिसमें उसको घोड़े को भी पाल के रखना पड़ता था, अपनी यूनिफॉर्म का भी और घोड़े का भी खर्चा उसको खुद मैनेज करना पड़ता था, जिसमें वो नहीं चला सकते थे अपना सारा काम। सो दैट मींस वो, बट रिलेटिवली उनकी तनख्वाह जो है वो आम पीजेंट से ज्यादा थी। देख रहे हैं आप सिस्टम कैसे बनाया हुआ है, गरीब को इतना गरीब कर दो कि अगर उसे थोड़ी सी आप उम्मीद दे दो तो वो भाग के ले ले उसे। तो भारतीयों को इतना गरीब कर दिया कि अगर सेना में भर्ती होना से उन्हें अगर 5-7 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं एज कंपेयर टू अगर वो गरीब किसान रहते हैं, तो गरीब किसानों ने सेना में भर्ती होना लाजमी समझा। जितनी भी ये गंगा की बेल्ट है, अवध, द्वाब, बंगाल, बिहार तक, और उसके बाद ऊपर जो सिंधु, सप्त सिंधु जो बेल्ट है पूरी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब, सिंध, मुल्तान, यहां ये जो पूरा उपजाऊ भूमि है, हर एक घर से एटलीस्ट एक सैनिक गया, खासकर अवध में, क्योंकि जो बंगाल का एरिया है वो ज्यादा ट्रेड बेस्ड है, अवध को जो है वो, अवध जो है वो, अवध और द्वाब का जो एरिया है यहां पर ज्यादा कृषि बेस्ड इकोनॉमी थी लोगों की, और ज्यादा गांव जो है वो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट थे बजाय के ट्रेड के ऊपर। सो हर घर से एक ना एक सैनिक, तो वो सैनिक जो है वो कमाई के लिए, क्यों, क्योंकि अदरवाइज उनका घर डूब जाए, अब 7 रुपए में कितना कमाएगा, प्लस अगर उनको डेप्यूटेट किया जा रहा है किसी और जगह, किसी और जगह भेजा जा रहा है सैनिकों को, तो उनको भत्ते नहीं मिलते थे, प्लस भारतीय सैनिकों को मैक्सिमम जो है वो जो प्रमोशन मिलती थी वो सूबेदार की, ठीक है, और जो भारतीय सिविल प्रमोशन थी वो सदर अमीन की, तो भारतीयों को बड़ी प्रमोशंस भी नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी भारतीयों के, भारतीय सैनिकों के अंदर एक बहुत बड़ी रोष की भावना थी इसके खिलाफ भी, कि अगर वो 40 साल का व्यक्ति है और वो अगर 20 साल से सर्व करता रहा है पूरी ऑनेस्टी से, पूरी लगन से, जितना किसी कभी अंग्रेज ने सर्व नहीं किया होगा किसी अंग्रेजी सेना को, और उसकी जगह अगर कोई एक 20-21 साल का अंग्रेज आकर उसको गालियां दे रहा है, उसको अगर सेना के हुनर सिखा रहा है, तो ये एक रोष बन जाता है एक सैनिक के अंदर, राइट। सो एक कारण ये भी था बहुत जरूरी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी संख्या में सैनिक अवध से थे, तो जैसे अवध का अनेक्सेशन किया गया 1856 में, सैनिकों के अंदर बहुत बड़े लेवल पर रोष हुआ, रोष उभर गया। और फाइनली आप देखेंगे कि देयर हैड बीन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट्स, जैसा कि आरसी मजुमदार ने बोला कि पहला रिवॉल्ट नहीं था, तो रिवॉल्ट सेना में पहले भी हुए थे, बंगाल 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान, वेल्लोर 1806 में, बैरकपुर में 1825 में, और अफगान वॉर के दौरान 1838 से 1842 में रिवॉल्ट चलते आए थे। सो ये सब हमने समझे कि कारण क्या है रिवॉल्ट के होने के। आइए अब समझते हैं कि रिवॉल्ट की घटनाएं क्या क्या थी, कैसे कैसे रिवॉल्ट शुरू हुआ, कैसे फैला, और कैसे फिर अंग्रेजों ने सप्रेस किया, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि नेचर क्या है रिवॉल्ट का और रिवॉल्ट के कंसीक्वेंसेस क्या हुए, और भारत की पॉलिटिकल और भारत की सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक स्फीयर पर रिवॉल्ट ने अपनी क्या छाप छोड़ी, आने वाले 90 वर्षों में उसका असर भी क्या रहा। आइए बढ़ते हैं आगे, आइए अब देखते हैं कि किस तरह रिवॉल्ट फैली। तो सबसे पहले इमीडिएट कारण यहां लिखा है कि रिपोर्ट, ऐसी अफवाह फैल गई कि बोन डस्ट यानी कि हड्डियों को क्रश करके सेना के लिए जो खाना बनता है उसके आटे में मिला दिया गया है, और जो एनफील्ड राइफल्स नई आई हैं उनकी जो कार्ट्रिजेज है यानी कि जिसमें जो कारतूस है उसके ऊपर जो ग्रीस लगाई गई है वो सुअर और गाय की चर्बी से बना है। ये दो अफवाहें सेना में फैल गई, पूरी जितनी भी अवध, बिहार, बंगाल का जो पूरा रीजन है यहाँ पर फैल गई है। अब समस्या क्या थी कि सुअर जो है वो, सुअर को हानि जो है वो मुस्लिम नहीं पहुँचा सकते, और हिंदू धर्म अवॉइड करता है गाय को किसी तरह की हानि पहुँचाने से। सो दैट मीन्स अगर इन दोनों की चर्बी वहाँ पर लगी है कार्ट्रेज के ऊपर, तो ये समस्या है दोनों के लिए। और वो कार्ट्रेज खोली जाती है मुँह से छिलकर, जैसे हम
टॉफी को छीलते हैं ना, उसके अंदर टॉफी को निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कार्ट्रेज होता है। एक उसमें बेयरिंग होता है जो लेड का होता है, दैट इज द बुलेट, और उसके अंदर जो है वो कारतूस होता है यानी कि गन पाउडर। उसको मुंह से खोला जाता है और जो राइफल की नली होती है उसमें कारतूस डाल के, उसमें बॉल बेयरिंग डाल के स्टिक से उसको सेट किया जाता है। सो पूरा प्रोसीजर था उसको, इसके इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए मुंह से खोलना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रीस है वो हाथ से नहीं छिलता। अब वो ग्रीस क्यों लगाई जाती है, ताकि बारूद में सीलन ना लगे, है ना, तेल रहेगा बाहर तो पानी अंदर नहीं जाएगा। तो जो एनफील्ड कंपनी है उसने ग्रीस जो है वो किसी तेल या किसी और चीज की चर्बी, ऐसा कोई जानवर है जिसकी चर्बी जो सभी कम्युनिटी कंज्यूम करती है, ऐसे जानवर की चर्बी ना इस्तेमाल करके सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल करी, क्योंकि ये भारत में बहुतायत में अवेलेबल थी और ये सस्ता पड़ रहा था एनफील्ड कंपनी को, ऐसी अफवाह है। अब इसको अफवाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने सरे से मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एनफील्ड ये वही कंपनी है जो बाद में रॉयल एनफील्ड के नाम से आज इंडिया में बाइक्स बेचती है। अगर आप रॉयल एनफील्ड की टैगलाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है मेड लाइक अ गन। एनफील्ड जो है वो पहले बंदूकें और तोप बनाने का, आर्टिलरीज बनाने का काम करती थी अंग्रेजों के लिए, एक ब्रिटिश कंपनी ही है ये। खैर ये अफवाह फैल गई सैनिकों में और सैनिकों ने मना कर दिया। अब हम देखते हैं कि कहां कहां पर सैनिकों ने मना किया और अंग्रेजों ने क्या क्या स्टेप लिया। तो सबसे पहले देखिए सिपाही की म्यूटनी कहां कहां हुई। 19th नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव मतलब भारतीय सैनिक और इन्फेंट्री का मतलब जो पैदल सैनिक होते हैं, घुड़सवार को बोलते हैं कैवलरी। तो नेटिव इन्फेंट्री है बहरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं इसको मुंह से छीलेंगे, और उन्होंने दंगा मचा दिया। फरवरी 1857 में म्यूटनी कर दी, रिवॉल्ट कर दी, उनकी पूरी की पूरी रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया मार्च 1857 में। तो अंग्रेजों के पास यही सॉल्यूशन था, ये अंग्रेजों ने सॉल्यूशन लिया था चंगेज खान से। चंगेज खान ने की सेना के कामयाब होने का एक मुख्य कारण यह था कि उसमें उसकी सेना में यूनिटी बहुत थी, और वो यूनिटी कैसे थी, क्योंकि चंगेज खान ने एक सिंपल रूल बनाया हुआ था कि अगर किसी टुकड़ी के 100-100 के मेंबर्स की उसने टुकड़ी बांटी हुई थी, और उसने एक सिंपल रूल बनाया हुआ था कि अगर किसी टुकड़ी के किसी एक भी बंदे ने गद्दारी करी तो 100 के 100 को मार दिया जाएगा। ठीक है, अब अंग्रेज मारने की नीति तो नहीं अपनाई, लेकिन उन्होंने बोला कि वो पूरी की पूरी रेजिमेंट को ही जो है वो खत्म कर देंगे, हटा देंगे, उसको नल कर देंगे, राइट। तो अचानक से पूरे रेजिमेंट का रोजगार खत्म हो गया कुछ लोगों की वजह से, तो ये भारत में डिसयूनिटी का भी कारण बना एक। सो मार्च 1857 नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया। उसके अलावा 34th नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे बैरकपुर में, उन्होंने भी मना कर दिया खाने से, उन्होंने भी मना कर दिया मुंह से छीलने से, और एक स्टेप फर्दर ले गए जब उन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी, उनके ऊपर केस चला, ट्रायल चला, और उन्होंने खुद कहा कि हाँ भाई चलाई है, सबके सामने चलाई थी, उनको फांसी की सजा दी गई। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे 7th अवध रेजिमेंट, अवध की 7th अवध रेजिमेंट, उसके सैनिकों ने भी मना कर दिया था और 3 मई को उस रेजिमेंट को भी डिसबैन कर दिया गया। अप्रैल 24 को 3rd नेटिव कैवलरी के, ये मेरठ से हैं, 3rd नेटिव कैवलरी जो है वो मेरठ से थी, इसके 90 कैवलरी मेंबर्स ने मना कर दिया कि वो ग्रीस कार्ट्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके ऊपर केस चला और 90 में से 85 को सजा हुई, और जैसी उनको सजा हुई अगले ही दिन लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ उनको, अगले ही दिन यानी कि 9 तारीख को, 9 मई को उनको सजा हुई, 10 मई को उनके साथियों ने वहां पर म्यूटनी कर दी, जेल में पहुंचे सारे मेरठ की जेल में, और मेरठ की जेल में उन्होंने अपने सैनिकों को बाहर निकाला, वहां पर जो भी अंग्रेजी अफसर था या अंग्रेजी अफसर के साथ देने वाले जितने भी भारतीय थे, वैसे तो मुख्यतः भारतीय नहीं थे, लेकिन अगर कोई एक आधा उनके साथ था तो उसको मार दिया गया, सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया, सारे सैनिकों को, और अब वो सैनिक दिल्ली की तरफ बढ़ गए। अब यहां पर सवाल ये बनता है, यूपीएससी में पूछा भी गया है कि दिल्ली की तरफ ही क्यों बढ़े, उनका ये नेचुरल सिलेक्शन दिल्ली ही क्यों था, राइट। तो इसका जवाब जो है वो मोस्ट पॉसिबल जवाब यही बनता है कि मुगल शासन इतने लंबे साल तक रहा था कि भारत में पॉलिटिकल एकीकरण का सिंबल जो है वो मुगल था, यानी कि खासकर उत्तर भारत में, ये दक्षिण भारत के लिए वैलिड नहीं है बात, लेकिन जब भी हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं जो सिंध के पार का एरिया है और बंगाल तक पूरा, ये दिस इज हिंदुस्तान। वैसे तो हिंदुस्तान फॉर एन आउटसाइडर इज द होल सब कॉन्टिनेंट,
लेकिन भारत में हिंदुस्तान क्या रहा है, ये हिंदुस्तान है। उसके अलावा पंजाब एक अलग आइडेंटिटी बना लेता है इसी हिंदुस्तान में, सिंध, मुल्तान और मराठीस्तान अलग है, मद्रास अलग है, बंगाल भी कुछ हद तक अलग हो जाता है। तो दैट मीन्स ये दिल्ली दुआब और अवध का जो एरिया है, यहाँ के लोग जो है वो आहत हुए इस चीज़ से सबसे ज़्यादा। इसीलिए रिवॉल्ट जो है वो हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी एरिया में दिखती है। मैंने बोला था ना, जो फिजियोग्राफिकल फीचर है, जो नर्मदा वैली है और जो विंध्या रेंज है, उसकी वजह से जो भारत उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बटा है, इससे जो इकोनॉमिक सोशियो और पॉलिटिकल जो कल्चर है वो जो उत्तर भारत का है वो एक तरह का रहा और जो दक्षिण भारत का है वो अलग तरीके का है। इसीलिए उत्तर भारत में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया और दक्षिण भारत में रायतवाड़ी, ताकि अंग्रेजों ने मद्रास और बंबई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अलग अलग तरीके से चलाया हुआ था वहां के लोगों के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने बोला ना, वॉरन हेस्टिंग्स ने 1774 से ही शुरुआत कर दी थी, भारत के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया था उसने, भारत के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था उसने, भारत के स्कॉलर्स को इकट्ठा शुरू कर दिया था। एशियाटिक सोसाइटी इसीलिए बनाई गई थी ताकि भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके और उसी हिसाब से भारत से लड़ा जा सके। तो उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि अगर म्यूटनी होती है तो उत्तर भारत में ही रहेगी, और उत्तर भारत में ही रही। दक्षिण भारत, मद्रास तो अछूता रहा, बंबई में कुछ एक हद तक हुई, उसको अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया। गुजरात जो है वो पारसी और जैनों से भरा हुआ था, उन्होंने अपने ट्रेड के चक्कर में उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। राजपूतों के एरिया में कुछ हद तक फैला, लेकिन राजपूतों के साथ अंग्रेजों ने सब्सिडरी अलायंस, राजपूतों को कैसे खरीदा हुआ था, जैसे अकबर ने कैसे राजपूतों को कंट्रोल में किया है, सम्मान दे दो उन्हें, तो अंग्रेजों ने भी राजपूतों को सम्मान बांट दिए, किसी को 11 तोपों की सलामी, किसी को 12 तोपों की सलामी। ये तोपों की सलामी के चक्कर में जो राजपूत राजा हैं वो अंग्रेजों के हमेशा सब्जुगेशन में रहे। प्लस पंजाब जो है वो रणजीत सिंह के समय से ही पंजाब अंग्रेजों के लॉयलिस्ट रहे थे, और पंजाब के सैनिकों ने जो अफगानी युद्ध है उसमें भी मदद किया था, और पंजाब के जो राजा हैं और जो उसके बाद वहां की जो रूलिंग क्लास है उस पे अधिकरण करने के बाद भी थोड़ा सा छूट दी थी, थोड़ी रियायत दी थी अंग्रेजों ने। सो दैट मीन्स पंजाब को उन्होंने लॉयलिस्ट बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि पंजाब बफर है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान और अंग्रेजों के शासन के बीच में, इसीलिए पंजाब को थोड़ा सा खुली छूट और थोड़ा सा रिलैक्स रखा उन्होंने, इसीलिए पंजाब ने साथ भी दिया म्यूटनी में। इसीलिए आप देखते हैं कि आज भारत से मैक्सिमम, वैसे तो भारत के हर राज्य से हर वर्ग के लोग जो हैं वो बाहर बसे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे जो अंग्रेजों द्वारा डोमिनेटेड जगह है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, यहां पर आपको पंजाबी क्यों दिख रहे हैं ज्यादा? अगर आप 1857 की रिवॉल्ट को स्टडी करेंगे तो 1857 की रिवॉल्ट में जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था वो उनके फैमिली मेंबर्स आपको इस क्षेत्र में, इन देशों में जाकर बसे हुए दिखेंगे। तो अंग्रेजों ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, अगर आप भारत से बाहर निकलना चाहते हैं तो ईजी है आपके लिए। तो खैर ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि 10 मई को यह सेना जो है वो अपने सारे सैनिकों को आजाद करके बढ़ जाती है 10 मई की शाम को दिल्ली की तरफ, राइट। अपने कमांडर्स को वहां पर मार दिया जाता है, सैनिकों को छुड़वा लिया जाता है और दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। वो दिल्ली पहुंचते हैं अगले दिन 11 तारीख को। दिल्ली पहुंचते ही वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट है साइमन फ्रेजर, उसको मार दिया जाता है। जितने भी यूरोपियन अधिकारी है उसको मार दिया जाता है। दिल्ली में सरे बाजार जो है वो कत्लेआम चलता है अंग्रेजों का, और जो दिल्ली के जो सिपाही हैं वो मेरठ के सिपाहियों का साथ देते हैं और सब जाते हैं लाल किला, और लाल किले में जो है वो बहादुर शाह जफर हैं वहां पर मुगल बादशाह, नाम के बादशाह हैं, केवल शक्ति उनके पास कुछ नहीं, केवल किले में रह सकते हैं, थोड़ी सी पेंशन है, बैठ के हुक्का पीते रहते हैं, अफीम लेते रहते हैं, उम्र बहुत ज्यादा है उनकी, उनके पास किसी भी तरह की सक्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, और शरीर में बल नहीं है कि वो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन को लीड कर सके। तो पहले वो हिचकिचाते हैं बहुत ज्यादा, अंग्रेजों को खबर भी कर देते हैं वो, लेकिन फिर सैनिकों के मोटिवेशन देने पर वो फाइनली मान जाते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारा लीड कर लेता हूं, लेकिन मैं केवल एक नॉमिनल हेड की तरह रहूंगा, आपको अपना लीडर जो है वो कोई एक स्ट्रांग सजेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हम मैं भक्त खान के रूप में देखने को मिलता है, आगे उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वहां पर बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया। बहादुर शाह जफर ने एक खत लिखे, जितने भी आस पड़ोस के जितने भी राजा हैं जिनको वो खत लिख सकते थे और कुछ छोटे समय में पहुंचा सकते थे खत, जो कि मदद कर सकते हैं इस रिवॉल्ट में, उन सबको लिखा कि आइए दिल्ली, हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस रिवॉल्ट को कैसे डील करना है हम जो है वो कोशिश करते हैं और सब बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और व्यक्ति का नाम आता है, लेफ्टिनेंट
विलोबी जिसने इन विद्रोहियों के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, लेकिन उनको मार दिया गया। बहादुर शाह जफर ने, जैसे कि मैंने कहा कि फाइनली खतों के माध्यम से सबको इनवाइट किया। अब देखते हैं अलग अलग लीडर्स क्या क्या थे, किन किन जगहों पर कैसे कैसे रिवोल्ट जो है वो किस किस व्यक्ति ने लीड करी। तो सबसे पहले तो दिल्ली की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि द नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडरशिप जो है वो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के पास थी, लेकिन बरेली से आए बख्त खान के पास जो है वो सारा कंट्रोल था दिल्ली में हो रही जो पूरी रिवोल्ट है उसका। और दिल्ली में उन्होंने एक दरबार भी शुरू किया जिसमें 10 मंत्री थे, नॉट मंत्री लेकिन 10 अधिकारी थे जो दिल्ली के लेवल पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगी और लोगों की ग्रीवियंसेस उन्होंने सॉल्व करनी शुरू करी। उन 10 में से 6 मिलिट्री अफसर थे और 4 सिविल, और वो 10 के 10 जो है वो कौन लेकर आया था अपने साथ, बख्त खान। राइट, सो सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया दिल्ली में क्या घटा। उसके बाद नेक्स्ट चीज कानपुर में देखें तो कानपुर में 4 जून में रेवोल्यूशन शुरू हुई। आप यहां पर देख रहे हैं 10-11 मई से 4 जून के बीच में अंग्रेजों के पास कितना सारा समय है प्रिपेयर करने का। भारतीयों के पास क्या है, तलवारें, भाले। भारतीयों को बंदूकें कौन सप्लाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। भारतीयों को कौन कर सकता है, अफगानिस्तान से आ सकती है, ईरान से आ सकती है, टर्की से आ सकती है, फ्रेंच दे सकते थे, डच दे सकते थे, अंग्रेजों ने सबका मुंह बंद कर रखा है। जमीनी मार्ग से अफगानिस्तान से आ सकती थी, अंग्रेजों ने पंजाब को बिठाया हुआ है वहां पे कि वहां से कोई ट्रेड ना हो भारतीयों के लिए। समुद्री मार्ग पे मोनोपोली जो है वो अंग्रेजों की है। चाइना से नेपाल के रास्ते आ सकते थे, नेपाल को अपना लॉयलिस्ट बनाया हुआ है उन्होंने, नेपाल के राजा के साथ सेगौली की ट्रीटी करी थी। सो कहने का मतलब कि हाथ पैर जो है वो बांधे हुए हैं भारतीयों के। सो दैट मीन्स अब भारतीय जितने भी सैनिक हैं या जो जितने भी रूलर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्ट में, उनके आगे यही चारा रह जाता है कि या तो वो भाले तीर तलवारों से लड़े जो कि उनके पास हैं, या तो वो अंग्रेजी दफ्तरों को लूटे और अंग्रेजी आर्सनल जहां पर अंग्रेजी जो है वो जखीरे हथियारों के उनको लूटे और वहां से हथियार लाएं। तो 11 मई को रिवोल्ट हुई। अब अंग्रेजों के पास इलेक्ट्रिक तार की व्यवस्था है, मिनटों के हिसाब से उन्होंने खबर जो है वो आगरा से लखनऊ, लखनऊ आगरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से पटना, पटना से मुंगेर, मुंगेर से मुर्शिदाबाद और फिर कलकत्ता, सारे बड़े शहरों में खबर पहुंचा दी उन्हें। और बीच बीच में जहां जहां पर तार बिछी हुई हर जगह उन्होंने खबर बिछा दी कि ये सिचुएशन होने वाली है। इससे हुआ क्या, वहां के जितने भी नेटिव सैनिक हैं उनसे हथियार छीन लिए गए और नेटिव सैनिकों की सेना को स्ट्रिक्ट रखा गया, देखा गया, उनको मॉनिटर किया जाने लगा कि क्या ये रिवोल्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन उनकी उनके हथियारों को जब्त कर लिया गया। दैट मीन्स जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था वो खो गया। अब कई जगह पर ये डॉक्यूमेंट है कि जो रिवोल्ट है वो शुरू होना था 31 मई को, लेकिन मेरठ के सैनिकों ने पहले शुरू कर दिया, इसलिए अभी वो अभी तैयारी प्रिलिमिनरी फेजेस में थी और ठीक से अभी भारतीय जो रिवोल्ट करने जा रहे थे वो प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाए थे उस चीज को। दैट मीन्स यहां पर बहुत बड़ी हानि पहुंची भारतीयों को, राइट, इस चीज की, उनकी मिस प्रिपरेशन की। सो जैसे कि हमने देखा कानपुर में पहुंच, जब कानपुर में रिवोल्ट जो है वो 4 जून को शुरू हुई, और जब रिवोल्ट शुरू हुई तो वहां पर रिवोल्ट को लीड किया नाना साहेब ने। देखते हैं आगे। सो जैसे कि कानपुर की मैं बात कर रहा था, 4 जून को कानपुर में, यानी कि कुछ समय बाद वहां पर शुरू हुई और सैनिक जो है वो प्रिपेयर थे, लेकिन नाना साहेब ने वहां पर लीड किया। नाना साहेब ने क्यों लीड किया, क्योंकि नाना साहेब जो है वो अंतिम पेशवा के अडॉप्टेड सन है, जिनको टाइटल पेशवा का नहीं दिया अंग्रेजों ने, जिनकी पेंशन जो है वो अंग्रेजों ने बंद कर दी और जिनको उनके होमलैंड से उठाकर कानपुर में डेप्यूट कर दिया गया। वहां पर उनको शुरू में पेंशन में बिठाया लेकिन फिर पेंशन उनकी बंद कर दी। तो कानपुर में जो बड़े पॉलिटिकल लीडर थे वो नाना साहेब ही थे। तो नाना साहेब के अंडर जो है वहाँ पर स्ट्रगल शुरू हुआ। नाना साहेब ने, उनकी सेना ने काफ़ी अच्छे से स्ट्रगल को कैरी भी किया और नाना साहेब ने अपने आप को, नाना साहेब ने बहादुर शाह को माना शहंशाह हिंदुस्तान और अपने आप को उन्होंने घोषित किया गवर्नर, यानी कि वजीर घोषित किया उनका। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ में क्या घटना घटी। तो लखनऊ में अवध के नवाब की बेगम हजरत महल ने जो शक्ति है वो अपने कंट्रोल में ली, क्योंकि उनके जो लड़के हैं
बर्जिस कादिर, उनको नवाब घोषित किया गया लेकिन उनकी उम्र बहुत छोटी है। तो बेगम हजरत महल की सेना ने जून 4, 1857 में वहां पर स्ट्रगल शुरू किया। उनकी जो रेजिडेंसी है उसको लूटा गया, वहां पर जो रेजिडेंट है सर हेनरी उनको मार दिया गया और उनके हथियार वगैरह सब छीन लिए गए। उसके बाद बरेली में देखेंगे आप खान बहादुर, जो कि कौन है, रोहेलखंड, एक बंगश पठान है, रोहिले हैं एक, उन्होंने वहां पर कमांड अपने हाथ में ली। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाई लेकिन फिर वो 40,000 सोल्जर्स के साथ उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। बिहार में अगस्त में शुरू हुआ। कुंवर सिंह, एक 70 साल के बुजुर्ग जो कि एक जमींदार थे जगदीशपुर से, उन्होंने बिहार में जो है वो जगदीशपुर में कमांड अपनी संभाली। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने वहां पर जो है वो अपना बेहतरीन जो है रिप्रेजेंटेशन दिया और लोगों को मोटिवेट किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, ही वॉज अ नेटिव ऑफ मद्रास, और फैजाबाद जो है वो उन्होंने मूव किया था और अंग्रेजों को जो है वो एक स्टिफ बैटल दी मई 1857 में। लेकिन इस पूरी घटना की जो सबसे फेमस जो रिवॉल्ट करने वाली जो टीम रही है वो झांसी से रही है और उनके लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून को ही वहां पर रिवॉल्ट शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को सीधा बोल दिया कि मैं झांसी नहीं दूंगी, बहुत क्लियरली बोला, और झांसी उनसे ले लिया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर ले लिया गया था, क्योंकि उनके हस्बैंड की जो है वो मृत्यु हो गई थी। झांसी के जो वहां के लीगल जो राजा हैं उनके हस्बैंड गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब झांसी की रानी के साथ जुड़ गए तांतिया टोपे, जो कि नाना साहेब की हार के बाद कानपुर में नाना साहेब की हार हो गई। आगे हम देखेंगे कि सरप्राइज कैसे किया तांतिया टोपे ने, साथ दिया झांसी की रानी का, और किस तरह उन्होंने मिलकर रिवॉल्ट करी। लेकिन ये बहुत बहादुर थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इनके पास तीर तलवार थे, अंग्रेजों के पास एनफील्ड गन्स थी और बहुत बेहतरीन मार्क्समैन भी थे उनके पास। सो यहाँ पर जो है वो आउट नंबर्ड भी थे, सेना भी अंग्रेजों के पास बड़ी हो गई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बाहर से सेना मंगवा ली थी, चाइना से, बर्मा से, और उसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया से, इंग्लैंड से, जगह जगह से जो है वो लगभग 1,00,000-1.25 लाख के आसपास उन्होंने अंग्रेजी सैनिक भारत बुला लिए थे। प्लस जो रीजनल जो बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने सहायता करी, जैसे कि झांसी के शासक ने जो है वो सेना बड़ी संख्या में दी, राजपूतों ने सेना दी बड़ी संख्या में, नेपाल ने अपने जो है वो गूरखे प्रोवाइड किए, पंजाब ने अपने सिख रेजिमेंट जो है वो प्रोवाइड करी। तो यानी कि जो नेटिव रूलर्स हैं इन्होंने बहुत सपोर्ट किया अंग्रेजों का, और नेटिव रूलर्स का बाद में अंग्रेजों ने बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया सब बाहर बसे हुए हैं आज की डेट में। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इंग्लिश कॉलोनीज थी उनमें जाके साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, राइट, और इंग्लैंड तो इटसेल्फ है ही। अब आगे देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह सप्रेस किया इस रिवॉल्ट को। तो अंग्रेजों ने सप्रेशन शुरू किया, अंग्रेजों ने यह सोचा कि देखो अगर दिल्ली से शुरू हुआ है और दिल्ली ही अगर रिप्रेजेंटेशन है शक्ति का, तो सबसे पहले दिल्ली को कब्जे में लाया जाए, ताकि चाहे कितना मर्जी खून बहाना पड़े। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को कंट्रोल करना शुरू किया। तो द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली ऑन सितंबर 20, सबसे पहले उन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया। जॉन निकोलसन जो है वो लीडर रहे और उनके अध्यक्षता में दिल्ली को कैप्चर किया गया। बहादुर शाह के ऊपर केस चला। बहादुर शाह को नेचुरली उन्होंने कैप्चर किया, उनके 2 लड़के और उनके ग्रैंडसन को हटसन एक अफसर था अंग्रेजी, खुले में उनको गोली मार दी सबके सामने, बहादुर शाह के ऊपर अलाहाबाद कोर्ट में केस चला। और बाद में केस की जब चल रही थी पैरवी, तो वहां पर पता चला कि बहादुर शाह वॉज सेम एज ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि बहादुर शाह को भी खबर नहीं थी। अंग्रेजों ने यह क्लेम किया कि बहादुर शाह को पता था। अंग्रेजी इतिहासकारों ने भी इस चीज को बढ़ चढ़कर बोला है कि मुस्लिमों ने शुरुआत करी इस रिवोल्ट की। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह को रिप्रेजेंटेशन बनाया गया। तो अंग्रेजों के अंदर यह परसेप्शन था कि बहादुर शाह न्यू ऑल अलॉन्ग कि ये होने जा रहा है, लेकिन जब बाद में पता चला कि बहादुर शाह तो जानता ही नहीं था, बट स्टिल अंग्रेजों ने बहादुर शाह को मारा नहीं, उसकी वृद्धावस्था की वजह से उसको रंगून शिफ्ट कर दिया, इनफैक्ट जेल में डाल दिया, और जहां पर 1862 में 1862 में वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। सो उसके अलावा देखेंगे सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में दिसंबर 6, 1857, अब कानपुर जो है वो बड़ी शक्ति थी, कानपुर में कौन बैठे हैं, नाना साहेब, उनको सबडू किया और वहां से तांतिया टोपे जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के पास आ गए उनकी मदद करने के लिए।
ठीक है। और जो नाना साहेब है वो भाग गए और नेपाल चले गए, और फिर उसके बाद उनका क्या हुआ वहां पर पता नहीं चला, लेकिन वो भागे इसलिए थे ताकि वो अपने आप को रीग्रुप कर सके, रीइन्फोर्स कर सके और वापस आ सके, लेकिन ऐसे ऐसा कभी माहौल बना ही नहीं कि वो वापस आए। तो उसके बाद उनके साथ क्या घटनाएं घटी हैं उसका कोई इतिहासकारों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। रानी झांसी को जो है वो बैटलफील्ड में जून 1858 में मार दिया गया, और सर ह्यू रोज ने जो है वो युद्ध लड़ा है रानी झांसी के खिलाफ, और रानी झांसी के लिए सर ह्यू रोज ने कहा है कि इन सभी रेवोल्यूशनरीज जितने भी रिवोल्ट करने वाले इन सब में से इन केवल एक यहाँ पर मर्द है, बाकी सब जो है वो कोई भी मर्द कहलाने के लायक नहीं है ह्यू रोज की नज़र में। उन्होंने रानी झांसी के लिए जो है वो उनकी प्रेज में उनकी वीरता के लिए ये शब्द कहे हैं। उसके अलावा बाय 1859 तक बाकी सबको कंट्रोल कर लिया गया, जैसे कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान बरेली में, राव साहिब जो है वो नाना साहिब के ब्रदर थे उनको कंट्रोल में किया गया, मौलवी अहमद उल्ला को भी मार दिया गया, बेगम हजरत महल भी उसी तरह गायब हो गई, वो भी नेपाल शिफ्ट हो गई और उनका भी पता नहीं चला कि क्या हुआ, राइट। दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ 1859, लेकिन हम देखेंगे कि उससे पहले ही बड़े फैसले अंग्रेज ले चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आएगा, लेकिन जो जगह जगह पर छुटपुट झड़पें अभी भी चल रही हैं, जो फाइनल रिवॉल्ट है वो 1859 में जाकर अंग्रेजों के पूरी तरह कंट्रोल में आया है, राइट। सो बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया वॉज सक्सेसफुली री एस्टेब्लिश्ड। तो ये सब रहे इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट। अब हम देखते हैं कि भारतीय ये जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम जिसको कहा गया है उसके फेलियर के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण आप यहां पर देख रहे हैं ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन एब्सेंट, पूरे भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे कि मैंने बोला आपको कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो भारत की ऐसी बटी हुई हैं कि जो गंगा का मैदान है वो एक यूनिट बन के रह जाता है, जो गुजरात है वो अलग यूनिट बन के रह जाता है, जो राजस्थान है वो एक अलग, यानी कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसके हिसाब से जो है वो पॉलिटिकल टेरिटरीज बटी हुई हैं। दक्कन एक अलग माहौल है, वहाँ पे दक्षिण भारत का एक अलग माहौल है, गंगा के मैदान का एक अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पहाड़ी राज्यों का एक अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो जो ये रिवॉल्ट है ये मुख्यतः गंगा के मैदानी क्षेत्र में फैला और वहीं पर ही इसका मुख्य और इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिला भी। दक्षिण भारत अछूता रहा, बंबई मद्रास में थोड़ा बहुत जो हुआ है वो अंग्रेजों ने बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया, पंजाब अंग्रेजों के साथ था और दिल्ली दुआब के क्षेत्र में उन्होंने सितंबर तक पूरा का पूरा कंट्रोल ले आए थे वो। सो दैट मींस भारतीय पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था, ये सबसे पहला कारण ये। क्यों? क्योंकि अगर पूरे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि अंग्रेज जो है वो अपनी शक्ति को बांट कर रखते हैं, राइट। दैट मींस उन्होंने कैसे बांटा हुआ है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और फिर रीजेंट हैं, रीजेंसी बनाई हुई है, पटियाला रीजेंसी बनाई है, लाहौर रीजेंसी बनाई है, राइट। काबुल रीजेंसी बनाना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाई, अलाहाबाद रीजेंसी है, कानपुर रीजेंसी है, ये रीजेंसी बनाई हुई है उन्होंने, और बाकी जो है वो बड़ी बड़ी प्रेजिडेंसीज बनाई हुई है, तीन मुख्य प्रेजिडेंसीज हैं। सो दैट मीन्स उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा हुआ है, सेना को बांटा हुआ है, हर एक शक्ति जो है वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं है। तो उनका सिस्टम कैसा है, एक कॉकरोच की तरह अगर सर कट जाए तो बॉडी चलती रहे, राइट। दैट मीन्स अगर कोई भी एक हिस्सा अगर काम करना बंद कर देता है तो बाकी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर भारत से पूरी तरह अंग्रेजों को हराना था तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ओवरपावर करना था, करना चाहिए था भारतीयों, जो कि वो नहीं कर पाए, एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा देखते हैं, समाज के सभी वर्ग जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ऑल क्लासेस डिड नॉट। जैसे कि मैंने बोला कि मध्यम वर्ग तो डिपेंडेंट है अंग्रेजों में, आज भी अगर बाहर कहीं लड़ाई हो रही हो तो मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो अपने घर दरवाजे के, जैसे मूवीज में देखते हैं ना, सारे घर दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन था, वो एक दिखाने का तरीका होता है कि मध्यम वर्ग कैसे रिएक्ट करता है, कोई अगर समाज में कोई कुरीति चल रही है तो मध्यम वर्ग कैसे रिएक्ट करता है उसके खिलाफ, या कोई बड़ी घटना अगर बाहर हो रही है तो मध्यम वर्ग सोचता है कि अपने आप को बचाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो रिबेल करेगा तो उसके पास कोई चारा नहीं है। पीजेंट्स को क्या है, पीजेंट अगर रिबेल करते हैं तो उनका जीवन ऑलरेडी नरक है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है,
है ना, जो रूलिंग क्लास है वो यूज करेंगे सबको, उनके पास भी, उनके पास पाने को बहुत है, खोने को कम है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके पास खोने को बहुत ज्यादा है, उसकी नौकरी चली जाएगी, राइट, उसको फिर वापस अंग्रेज अगर नौकरी ना दें तो वो क्या करेगा, भीख मांगनी पड़ जाएगी उन्हें, राइट, उनके पास जमीन नहीं है जहां पर जाके वो खेती कर सके, क्यों, क्योंकि जमीन वाला सिस्टम जो है वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो मध्यम वर्ग ने ऑब्वियसली अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीयों का मतलब रिवोल्ट में साथ नहीं दिया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग है, जैसे मैंने बोला गुजरात में कुछ नहीं हुआ, तो गुजरात का जो पूरा व्यापारी वर्ग है वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में रखा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था गुजरात, और गुजरात को अंग्रेजों ने अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा। गुजरात के व्यापारी बहुत बड़े लेवल पर धन दे सकते थे, उनके पास ट्रेडिंग राउट थे, वो हथियार वगैरह सब अवेलेबल करा सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो जो व्यापारी वर्ग है वो दूर रहा इस रिवोल्ट से। इस रिवोल्ट में मुख्यतः पार्टिसिपेट किसने किया, जो भारतीय सामंत थे या जो भारतीय पीजेंट्स थे मुख्यतः, या जो वो जमींदार थे जिनकी जमीनें छिन गई थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया, खासकर मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने। आगे मैं नेचर ऑफ रिवोल्ट में आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। उसके अलावा पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि सारे भारतीय सोल्जर्स के हथियार तो जब्त कर लिए गए थे बहुत सारों के, उसके अलावा भारतीयों के पास जो है वो तीर तलवार ये सब सारी चीजें थी, अंग्रेजों के पास आर्टिलरी थी, मस्केट्स वगैरह थी, एनफील्ड गन्स थी, राइट, उनके पास बेटर, उनकी सेना जो है वो वेल डिसिप्लिन्ड थी, सेना के पास रिसोर्सेज थे, क्यों, क्योंकि अगर आपको युद्ध में रहना है और अगर लंबे समय तक युद्ध चलना है तो अंग्रेजों के पास सबसे बड़ी बात है, उनके पास लंबे समय तक युद्ध करने की क्षमता थी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, वो युद्ध ही करते आ रहे थे पिछले 100-200 सालों से, अगर भारतीय उपमहाद्वीप नहीं तो अन्य बहुत अन्य सभी महाद्वीपों में एक्चुअली। सो अंग्रेजों के पास वेल इक्विपमेंट थी, उनके पास नॉलेज थी युद्ध कैसे लड़ा जाता है, राइट, तो आउट नंबर्ड थे, आउट इक्विप्ड थे, आउट मनूवर्ड थे भारतीय, तो उनका जीतना बहुत कम परसेंटेज थी, लेकिन स्टिल अंग्रेजों ने कई जगह पर ऐसा बोला है कि अगर भारतीयों में एकता हो जाती, जैसे कि अगर झांसी के शासक मदद कर देते तात्या टोपे की, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती उन्हें, तो जो उत्तर भारत है वो उनके हाथ से निकल जाता और फिर जो भारत में पॉलिटिकल कंट्रोल अंग्रेजों का वो छूट जाता, फिर हो सकता है कि भारत धीरे धीरे दक्षिण भारत से भी उन्हें भगा दें, जो भारतीय हैं धीरे धीरे दक्षिण भारत से भी भगा दें अंग्रेजों को। सो यहां पर हमें दूसरी चीज ये देखने को मिली, अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। अगला पॉइंट, अनकोऑर्डिनेटेड और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बोला ना, अंग्रेजों के पास तार की व्यवस्था है, उनके पास रेलवे है, उनके पास सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, उनके पास स्पाइज का नेटवर्क है, उनके पास वेल प्रिजर्व्ड एंड वेल मेंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, भारतीयों के पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज बटा हुआ है, भारतीय समाज जो है वो जमींदारों का अलग सोचना था उसमें, आगे हम नेचर ऑफ जो मैं आपको रिवोल्ट बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि सबके अलग अलग मोटिव भी थे, राइट, लेकिन भारत के पास कम्युनिकेशन करने का नहीं। मान लीजिए अगर कानपुर में जरूरत है सैनिकों की और अगर दिल्ली में सैनिक अवेलेबल है भारतीय, तो अगर उनको कानपुर भेजा जाता तो कानपुर में हो सकता है कि नाना साहब जीत जाते, लेकिन कम्युनिकेशन करने का कोई क्या नहीं है, नाना साहब के पास जरिया नहीं है, और वहीं पर अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि हमें सेना की जरूरत है आगरा में, तो वो तुरंत इलाहाबाद या तुरंत दिल्ली जो है वो तार भेजेंगे कि तुरंत जो है वो 100-150-200 जितने सैनिक, जितना राशन, जितना हथियार या सेना से युद्ध से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन है तुरंत प्रोवाइड कीजिए, जितने भी रीइन्फोर्समेंट है तुरंत लाइए। तो जो कम्युनिकेशन गैप है, जो मिनट्स का है अंग्रेजों के लिए और जो दिनों का है भारतीयों के लिए, ये उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। नेक्स्ट देखते हैं, नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। सो जैसे कि मैंने बोला कि सबके मत अलग अलग थे, जो भारत के सामंत थे या जैसे कि नाना साहिब हैं, झांसी की रानी है, ठीक है, हजरत बेगम है, ये सब क्या चाहते थे कि इनकी जो जो इनसे जो छीन लिए गए हैं साम्राज्य वो इनको वापस दे दिए जाएं, ठीक है। अब ये इतिहासकारों के अंदर भी जो है वो डिस्प्यूट है इस चीज़ को लेकर, क्या सभी शासक यही चाहते थे या एक यूनिफाइड हिंदुस्तान बनाने का विजन था लोगों का, तो ये मैक्सिमम इतिहासकार मानते हैं कि एक यूनिफाइड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो नेशनलिस्ट इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की घटना को आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करने के लिए करने की कोशिश करी, जैसा कि सीजर के लिए कहा जाता है कि सीजर डेड वॉज मोर डेंजरस, मरने के बाद सीजर जो है वो रोम के लिए ज़्यादा खतरनाक, रोम के दुश्मनों के लिए ज़्यादा खतरनाक था, उसी तरह 1857 की क्रांति हो जाने के बाद उस क्रांति को एग्जाम्पलीफाई करके लोगों के मन में जोश भरा जाने
जाने लगा। तो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है लाइक वीडी सावरकर, उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट किया है कि दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और पूरा भारत इसमें जुड़ गया था, बहुत जबरदस्त एकता थी, हम बस जीत नहीं वाले थे, कुछ कारणों की वजह से हम हार गए। तो ये जोश पैदा करने के लिए था लोगों के अंदर, राइट। सो जैसे कि मतलब नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, लोगों को पक्का नहीं था कि करना क्या है। जो जमींदार थे वो चाहते थे कि उनको जमीनें वापस मिल जाए, जो पीजेंट्स थे वो ये चाहते थे कि हम मर तो रहे ही, हम लड़के मर जाते हैं, ठीक है, हो सकता है कि अगर हम जीत जाए। उनकी क्या था, उनकी एस्पिरेशन क्या थी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें वापस मिल जाए और अच्छे दाम पर हमारी खेती, हमारे फसल जो है वो बिकनी शुरू हो जाए। उनको ये थोड़े था कि भारतवर्ष को आज़ाद करके एक नई तरीके का सरकार का सिस्टम एस्टेब्लिश करना है। तो ये भावना नहीं थी लोगों के बीच में। भारत के जो सामंत थे उनके अलग मोटिव थे, जो जमींदार थे उनके अलग मोटिव थे, जो पीजेंट्स थे उनके अलग मोटिव थे, जो कर में बेचारे फंसे हुए थे उनका, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारी जितने भी दीवान हैं या जितने भी मुंशी हुआ करते थे उनके दफ्तरों में जाके सारे कलो जितने भी लोन के कागज हैं वो सब जला दिए, तो सब टैक्स फ्री हो गए जिन जो जो जला सके। सो दैट मीन्स जब रिवोल्ट फैला तो लोगों के अपने अपने मोटिव थे, जिसकी जिससे खुंदस है वो एक दूसरे को मार रहा है रिवोल्ट की आड़ में आकर। लोगों ने एक दूसरे की भूमि का अधिग्रहण किया, जब कागज जल गए तो अब ये और दूसरे को मार दो तो उसकी भूमि अपनी, राइट। सो ये काफ़ी सारी तरह की चीज़ें हुई, लोगों ने अपने उल्लू जो है वो सीधे करने की कोशिश करी, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिकल हैं, सोशल हैं, रिलीजियस हैं। सो दैट मीन्स भारत में ये जो एकता होनी चाहिए थी, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिकल, इसका अभाव दिखा, जिसकी वजह से हमारी रिवोल्ट जो है, जो कि एक सिपाहियों की म्यूटनी की तरह शुरू हुई थी और जो एक बड़े लेवल पर बढ़ रही थी और वो जा सकती थी नेशनल लेवल पर, उसकी खत्म या हार होने के कारण जो है वो ये लिस्टेड है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट सिंपल बनता है कि नेचर क्या है रिवोल्ट का। तो यहां पर हम नेचर समझेंगे रिवोल्ट का किसके माध्यम से, जो इतिहासकार रहे हैं उनके क्या मत रहे हैं इस रिवोल्ट को लेकर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है कि इट वॉज मियर अ सिपाही म्यूटनी, ये केवल एक सिपाहियों का विद्रोह था, और अ होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटनी विद नो नेटिव लीडरशिप, नो पॉपुलर सपोर्ट। ये किसने कहा है, सर जॉन सीले ने, एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सिपाही की म्यूटनी थी और जिसमें कोई भी पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, जो पीजेंट क्लास, देखो बाद में ना जूडिथ करके एक इतिहासकार हैं, अंग्रेजी इतिहासकार, उन्होंने अभी रिसेंटली 1994 में एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटनी बोला। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ऑस्ट्रेलियन इतिहासकार हैं, साउथ अफ्रीका के इतिहासकार हैं, यूएस के जो इतिहासकार थे उस समय के, उन सब ने क्या डॉक्यूमेंट किया है कि इट वॉज जस्ट मियरली सिपाही म्यूटनी और कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी औरतें बच्चे मरे थे इसमें, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जवाबदेही बन गई पूरे भारत, पूरी दुनिया में जहां जहां पर अंग्रेज थे। तो जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पर इस तरह डॉक्यूमेंट किया कि इट वॉज जस्ट अ सिपाही म्यूटनी। उन्होंने बाकी के एस्पेक्ट्स नहीं बताए कि ब्रिटिश राज वहां पर क्या कर रहा था, कंपनी का राज वहां पर क्या कर रहा था जिस वजह से ये म्यूटनी हुई। उन्होंने केवल यह बोला कि सिपाही एक दिन, क्यों, सिपाहियों के पास हथियार है, उनको जस्टिफाई करना आसान हो गया क्योंकि सिपाहियों के पास हथियार है, सिपाहियों ने म्यूटनी कर दी, ऐसा उन्होंने क्लियरली लिखा है। तो उन्हीं में से एक इतिहासकार है सीले, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ सिपाही म्यूटनी, होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटनी। अनपेट्रियोटिक यानी कि उसमें नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। जैसे कि मैंने शुरू में सवाल बोला कि क्या इस पूरी रिवोल्ट में नेशनलिज्म की भावना थी या नहीं थी, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कुछ में थी और कुछ में नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर गंगा बह रही हो और लोग हाथ ना धोएं, राइट। सो दैट मीन्स दंगा हो रहा है तो दंगे का फायदा उठाने वाले तो लोग बिल्कुल मौजूद थे। तो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने वाले रूलिंग क्लास भी थी, जमींदार भी थे, मर्चेंट क्लास भी थी और पीजेंट भी थे, सभी समाज के सभी वर्गों ने किया है वो काम। लेकिन ऐसा भी वर्ग था जिन्होंने अपना खून, अपना रक्त बहाया है किसके लिए, ताकि
भारत से या भारतीय उपमहाद्वीप से जो ये अंग्रेजों का राज है ये उखड़ जाए। अब इसको वो पेट्रियोटिज्म कहें या इसको वो नेशनलिज्म कहें या इसको वो एक यूनिफाइड भारत के होने की भावना कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन उनके अंदर ये सब के अंदर रिजेंटमेंट क्या है, चाहे कोई लूट भी रहा है ना, लेकिन उसके अंदर ये भावना तो जरूर है कि अंग्रेजों का शासन खत्म होना चाहिए। तो ये अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाना चाहिए, इस भावना से जो लड़े हैं लोग, इसको अगर आप पेट्रियोटिज्म कहें तो बिल्कुल पेट्रियोटिज्म वहां पर मौजूद था। तो जॉन सीले की ये बात जो है वो गलत साबित होती है। उसके बाद भारतीय इतिहासकार जो कि अंग्रेजों की अप्रिसिएशन चाहते थे, जैसे कि डी डॉक्टर के दत्ता, उन्होंने कहा कि कंसीडर जो है वो उन्होंने कंसीडर किया इस रेवोल्यूशन को 1857 की, इन द मेन अ मिलिट्री आउटब्रेक विच वॉज टेकन एडवांटेज ऑफ बाय सर्टेन डिसकंटेंटेड प्रिंस एंड लैंडलॉर्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऐसा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है कि लोगों ने फायदा नहीं उठाया, लेकिन अपनी अपनी ईज के हिसाब से इतिहासकारों ने अपना अपना पॉइंट छाटा जहां पर उनका मुद्दा बन रहा है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिस्टिक, लोग आपने सुना होगा, इतिहासकार और इतिहास लिखना एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस है। आपको आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता, आपको गैप फिल करने होते हैं, तो जिसको जहां पर गैप दिख रहा था उसने वहां पर लिख दिया, उसकी किताब छप गई और बिक गई, या उसका जर्नल छप गया और बिक गया और उसके पैसे बन गए, वो फेमस हो गए, उसकी ईगो सर्व हो गई। तो वहीं पर ही डॉक्टर के दत्ता बोलते हैं कि आउटब्रेक था, मिलिट्री आउटब्रेक था और लोगों ने लूटा, किसने, लैंडलॉर्ड्स ने और जो फ्यूडल शासक इंडिया के, वो एक फेज है, ऐसा हुआ है, लोगों ने लूटा भी है, लैंडलॉर्ड्स ने लूटा भी है, जो फ्यूडल शासक हैं उनकी अपनी अपने मुद्दे भी थे, लेकिन रिवोल्ट में 95% लोग कौन थे, रिवोल्ट में बढ़ चढ़कर कौन आया आगे, जो पीजेंट्री है, जो गरीब लोग हैं, जिनको 70 पिछले 100 सालों से जिनका दमन किया जा रहा था, जिनका दम घुट चुका था, जो अब मरने से नहीं डर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे आप, उनके लिए आप यही कह सकते हैं कि वो तो यही चाहते थे कि अंग्रेजी शासन हट जाए, बेशक हमें कुछ मर्जी करना पड़े, जान देनी पड़े, वो आप पेट्रियोटिज्म कह सकते हैं एक सेंस में, राइट, क्योंकि वो अंग्रेजों को हटाना चाहते थे, और उस पे सामंत आ जाएंगे, उनसे मतलब नहीं था, क्योंकि जो सामंतवाद है वो काफी फ्लरिश कर रहा था भारत में, सामंतवाद रिलेटिवली अभी अच्छा लग रहा था लोगों को कि सामंतवाद ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना बुरा हाल तो नहीं था, ठीक है। आगे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन वी डी सावरकर बोलते हैं, उनकी किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सावरकर ने बोला है कि रिवॉल्ट को बोला है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस का पहला वॉर बोला है, लेकिन मैंने आपको गिनाए कि म्यूटनीज जो है वो सिपाहियों ने पहले भी करी हैं, उसके अलावा ट्राइबल अपराइजिंग कोल की, मुंडाओं की, संथालों की, है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारे, इंडिगो रेवोल्यूशन हुआ जस्ट इसी समय के आसपास ही, है ना, 57 के आसपास, तो दैट मींस बहुत सारी घटनाएं पहले घट चुकी थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना, लोगों के अंदर जोश पैदा करने के लिए, राइट, एक भावना क्रिएट करने के लिए, एक नेशनैलिटी के, एक नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया 1857 की रिवोल्ट को इतिहासकारों द्वारा, वही वी डी सावरकर जी ने किया यहाँ पर। उसके अलावा इतिहासकार भारतीय डॉक्टर एस एन सेन ने कहा, 1857 नाम की उनकी किताब है, द रिवोल्ट एज हैविंग बिगन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडिंग एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या कहा कि ये शुरुआत कैसे हुई है कि धर्म के मुद्दे की वजह से जो है वो शुरू में सिपाहियों ने म्यूटनी करी और फिर ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक पहुंच गया। तो एक काफ़ी इन्होंने कहा जाए तो रिलेटिवली अच्छी अप्रोच रखी, क्योंकि अगर आप माइक्रो एनालिसिस करेंगे इस मुद्दे का तो आप समझ पाएंगे कि कुछ ऐसा ही हुआ। माइक्रो एनालिसिस करने का मतलब आप हर एक वर्ग को देखें, जिसने विद्रोह किया उसको आप देखेंगे और देखेंगे उसने क्यों विद्रोह किया, विद्रोह में उसने क्या किया, क्या कारण उसके रहे और फिर कंसीक्वेंसेस क्या रहे, इन सारी चीज़ों को जब एनालाइज करके आप कंक्लूजन प्रिपेयर करेंगे तो आप अंत में ये कह सकते हैं जो कि डॉक्टर एस एन सेन ने कहा भी कि ये शुरुआत हुई थी एक रिलीजियस कारण की वजह से, लेकिन धीरे धीरे ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ बदल गया। उसके अलावा डॉक्टर आर सी मजूमदार, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया, उन्होंने कहा है कि क्या था, ना ही ये पहला रिवॉल्ट था, ना ही ये पहली बार हुआ था और ना ही ये नेशनल लेवल पर था। सो ये सवाल भी बना हुआ है
डायरेक्ट आरसी मजुमदार जी की लाइन से उठाकर यूपीएससी ने मेंस में सवाल डाला भाई, और ये इस पॉइंट पर घुमा फिराकर यूपीएससी सवाल पूछता भी रहता है, प्री में भी बन जाता है सवाल और मेंस में भी बन जाता है सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए लिखने के लिए। मैं आपको क्यों ये कहानी इतना एलोबरेशन से समझा रहा हूं, राइट? मैं ज्यादा फैक्ट्स को तवज्जो ना देकर ज्यादा आपको कहानी में क्यों इंडल्ज रख रहा हूं, क्यों? तो मैं चाहता हूं कि मेरी इस कहानी के पात्रों की भावनाएं आप समझे, ताकि जब आप लिखने बैठे, जब आप कलम उठाएं लिखने के लिए, तो आपके हाथ से केवल फैक्ट ना निकले, आपके हाथ से वो कॉन्सेप्ट लिखें आप, राइट? एग्जामिनर को पढ़ के लगे कि हाँ व्यक्ति को चीजें समझ आई हैं, ठीक है? आप फैक्ट की बॉम्बार्डमेंट कर देंगे कि यहां पर ऐसा हुआ था, यहां पर वैसा हुआ था, लेकिन समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की डेप्थ को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? आपको कोरिलेट कर जोड़ना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा क्यों हो रहा है, और वर्ल्ड सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन क्या थी जिसकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। अभी हम धीरे धीरे ग्लोबल सिचुएशंस को भी रिलेट करना शुरू करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। आगे देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की बात करते हैं, 1857 का रिवोल्ट जो है वो क्या था? द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर पीजेंट डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज, राइट? तो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की लाइन भी गलत है। सिपाही और पीजेंट्स ने किया था, अगेंस्ट फ्यूडल नहीं किया था, क्योंकि जो नेता थे वो तो फ्यूडल ही थे। हजरत बेगम क्या थी? एक फ्यूडलिस्टिक नेता थी। तात्या टोपे को नवाब क्या बोलते हैं उनको, नाना साहिब कौन थे? फ्यूडल नेता थे, राइट? तो नेता ही फ्यूडल है, तो उनके खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं ये? तो यहां पर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का ये पॉइंट भी गलत आता है। तो मैंने आपको बोला ना, इतिहास लिखना जो है वो एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है, और गैप्स फिल किए जाते हैं, क्योंकि देर इज नो स्कोप बट ओनली कंपटीशन, और कंपटीशन में आपको गैप्स फिल करने पड़ते हैं। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी में लिखा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज एसेंशियली अ फ्यूडल अपराइजिंग दो देयर वर सम नेशनलिटिक एलिमेंट्स। अब इन्होंने जो है वो कह सकते हैं आप कुछ हद तक ठीक बोला, उन्होंने बोला कि ये फ्यूडल जितने भी शासक हैं उनके द्वारा प्रमोट की गई, क्यों? क्योंकि सेना जितने भी लोग हैं सैनिकों, वैसे एक पार्टी थी सैनिक, दूसरी पार्टी थे फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स जमींदार, और तीसरी पार्टी थे पीजेंट्स। तो सैनिकों के अपने अलग मुद्दे थे, पीजेंट्स के अपने अलग मुद्दे थे, जमींदारों के अपने अलग मुद्दे थे, लेकिन लीडर कौन था? लीडर थे तो जमींदार ही ना। तो जमींदारों की एस्पायरेशंस प्लस सैनिकों की और जो पीजेंट्स हैं उनकी जो भावना थी कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, इसको अगर आप पेट्रियोटिज्म की संज्ञा दें तो आप बोल सकते हैं कि फ्यूडलिस्टिक जो एस्पायरेशंस हैं वो और जो पेट्रियोटिक भावना है, उन दोनों का एक अमलगेशन हमें देखने को मिला किसमें, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, जो कि कामयाब नहीं हो सकी, जिनके कारण हमने समझे क्यों नहीं हो सकी कामयाब। उसके अलावा एमएन रॉय ने कहा कि एमएन रॉय फेल्ट द रिवॉल्ट वॉज अ लास्ट डिच स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म। उन्होंने कहा कि जो भारतीय सामंतवाद है उनका अंतिम जो है वो एक स्ट्रगल था कि जैसे तैसे करके हम अपना शासन ले लें, क्योंकि उनकी पेंशनें बंद हो गई, उनसे जमीनें छिन गई, उनका पॉलिटिकल शक्ति खत्म हो गई, वो अब पैटर्नाइज नहीं कर सकते हैं किसको, किसी को भी, इनफैक्ट वो कलाकारों को पैटर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कलाकार जो है वो खत्म हो गए हैं। भारत में कलाकारों को पैटर्नाइज करती थी रूलिंग क्लास। जब भारत में फ्यूडलिज्म बढ़ने लगा, इसीलिए उसको कल्चरल गोल्डन एज कहा गया है, गुप्ता लेटर गुप्ता पीरियड को, क्यों? क्योंकि भारत फ्यूडलिस्टिक नेचर बना और छोटे छोटे जो हैं वो पॉलिटिकल सेंटर बने, जिसमें छोटे छोटे कल्चरल सेंटर बने, छोटे छोटे इकोनॉमिक सेंटर बने, वहां पर जो है वो जगह जगह पर क्या डेवलप हुआ, जगह जगह पर कलाकारों को पैटर्नाइज किया राजाओं ने। अब राजाओं के पास अपने घर चला, अपने ऐशो आराम को पूरा करने के पैसे नहीं है, तो वो कलाकारों को कैसे देंगे पैसे? तो वहां पर हमारी जो आर्टिस्ट क्लास है वो भी डिटेरियोरेट हुई, ठीक है? तो एमएन रॉय ने बोला कि जो फ्यूडलिस्टिक शासक हैं उनकी अंतिम अप्रोच थी। उसके अलावा आरपी दत्त ने क्या बोला है, ऑल्सो सॉ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्री अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन, पीजेंट्री फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट, इवन एज ही एक्नॉलेज इट टू बी ए डिफेंस ऑफ द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। वही बोला इन्होंने कि ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर और जो पीजेंट है, उन दोनों ने मिलकर जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनके भले ही अपने अलग अलग एस्पायरेशंस हो, लेकिन वो मिलकर लड़े। एक हमें यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिलती है, इनफैक्ट महिलाएं भी जो है वो जान देने के लिए आगे आई, क्योंकि उनके पास खोने का कुछ बचा नहीं था, समाज में खोने कुछ बचा ही नहीं था, गांव के गांव खाली करने पड़ रहे थे, तो क्या काहे का समाज और काहे की सामाजिक व्यवस्था।
तो अब जान देने के लिए ही जो है वो बची थी उनके पास। सो दैट मींस हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही दमन हो रहा था, दोनों ने मिलकर जो है वो इस युद्ध में लड़ा है। 1857 की क्रांति में जिस तरह की यूनिटी हमें देखने को मिली है हिंदू और मुस्लिम की, भारत की थ्रू आउट हिस्ट्री में और कहीं भी देखने को नहीं मिली है। आगे देखते हैं, LER रेइस एक अंग्रेजी फनेटिक अंग्रेजी एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा युद्ध है, रिवोल्ट है, ये सब क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था। वो अलग लेवल पर ले गए, वो मैंने आपको बोला ना अपॉर्चुनिटी, वो इसको क्रिश्चियनिटी वाला रूप देना चाहते हैं, है ना, वो इसको धर्म युद्ध का रूप देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली जो है वो जीत कौन गया? अंग्रेज। तो अंग्रेज जीते और अंग्रेजों ने क्या बोला कि क्रिश्चियनिटी जीत गई। क्यों? क्योंकि जो क्रूसेड है, जो धर्म युद्ध वाला जो फंडा है, वो केवल मुस्लिम ही भारत में नहीं लेके आए थे, या अन्य एशियाटिक जितने भी देश हैं वहां पर जिहाद का नारा लगा के केवल मुस्लिम नहीं जाते थे, जो अंग्रेज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी क्रूसेड का नारा लगाकर जगह जगह पर उन्होंने धर्म युद्ध करे। तो भारत में उन्होंने रिवोल्ट को जो दबाया, उन्होंने बोला कि ये क्रूसेड, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ये युद्ध लड़ा और क्रिश्चियनिटी जो है वो जीत गई। ठीक है, तो इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई अंग्रेजों द्वारा। T.R. होम्स ने बोला कि सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के बीच में ये युद्ध है, कि भारतीय बार्बरिक हैं और अंग्रेज सिविलाइज्ड हैं। अपने आप को बहुत सिविलाइज समझते थे अंग्रेज, उनको ये नहीं पता था कि भारत में बहुत पहले से सिविलाइजेशन है, उनसे बेटर है। जब वो लोग खाल पहनते थे, भारत के लोग सिल्क पहनते थे, राइट, उन्होंने फर्क इतना रह गया कि भारतीय लोग फ्यूडलिस्टिक हो गए और एकता नहीं जुटा पाए ज्यादा। नेक्स्ट इतिहासकार देख रहे हैं आप T.R. होम्स, जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद S.B. चौधरी एज ए हिस्टोरियन उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है द फर्स्ट कंबाइंड अटेम्प्ट, मैंने बोला ना कंबाइंड अटेम्प्ट है डिफरेंट क्लासेस का, और ये पहला रियल फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल कह सकते हैं आप बड़े लेवल पर, लेकिन ये नेशनल लेवल पर भी नहीं है। तो इनका मानना यह था कि ये कंबाइंड जो है वो एक स्ट्रगल है, जो कि बिल्कुल है ही, क्योंकि सिपाहियों ने रूलिंग क्लास के जो फ्यूडलिस्टिक या जमींदार है वो, और प्लस जो पीजेंट्स हैं, तीनों ने मिलकर जो है वो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इतिहास, ये रहे इतिहासकारों के पॉइंट्स। नेक्स्ट अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि इस युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे फाइनली, तो देखिएगा, इवन बिफोर द रिवॉल्ट कुड बी सप्रेस्ड फुली द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 2 अगस्त 1858 पास्ड एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरी तरीके से रिवोल्ट को सप्रेस करने से पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब एक नई तरह की गवर्नमेंट इंडिया में लाई जाएगी, और वो नई तरह की गवर्नमेंट जो होगी वो पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बसाया हुआ सिस्टम है उसको हटाकर रिप्लेस करके नया एस्टेब्लिशमेंट लाया जाएगा, राइट। तो उसके लिए जो उस समय के कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय है, आप देख पा रहे हैं, उन्होंने जो अलाहाबाद दरबार है वहां से 1 नवंबर 1858 को क्वींस के इस ब्रिटेन की महारानी के इस प्रोक्लेमेशन की घोषणा करी कि भारत अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी ना रहकर डायरेक्ट क्राउन के कंट्रोल में है, और अब भारत की शासिका जो है वो कौन है, क्वीन है अंग्रेजों की। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल जो है वो भारत में बड़े लेवल पर अप्लाई किया गया अंग्रेजों द्वारा, आगे आने वाले सेशंस में हम समझेंगे कैसे। सेना को अमलगेट किया गया, 1861 से ही सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था अंग्रेजों के द्वारा ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखेंगे, जितने भी हायर पोस्ट है उस पर भारतीयों को अपॉइंट करना बंद कर दिया गया, पहले सूबेदार तो बनाते थे, अब तो वो भी नहीं। फीचर देखते हैं रिवोल्ट के 1857 के, तो सबसे पहला तो ये है कि जिस तरह इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया है प्रथम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जो कि फिर बाद में नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने एक स्पिरिट पैदा करने के लिए यूज भी किया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रिवोल्ट ने इंस्पायर किया आगे आने वाली जनरेशन को, हीरोज हमें मिले सच एज रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, पेट्रियोटिज्म जो है वो प्रोवाइड हुआ, एक नेशनलिज्म की भावना यहां से उभर के आई अंग्रेजों के खिलाफ। यहां से सबसे पहले तो लोगों को खुद से भी भरोसा हुआ कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट प्रोड्यूस कर सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। पहले तो लोगों को यही भरोसा नहीं था, सबको ये लगता था कि अंग्रेज अजय हैं, हम उनके खिलाफ लड़ ही नहीं सकते। इस रिवोल्ट में ये गलतफहमी दूर हो गई, अंग्रेजों से जीता जा सकता है, सब लोगों को ये पता चल गया। और फाइनली जो है वो मैनी पीपल एंड रूलर्स हुज सर्वाइवल थ्रेटन्ड वर ड्रॉन इनटू द रिवोल्ट। बहुत सारे ऐसे रूलर्स जिनकी, मैंने आपको बताया ना, पेंशनें हटा दी गई, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनके महल छीन लिए गए, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था, बस वो
यही चाह रहा था उनके पास कि वो युद्ध लड़े। तो आज के सेशन में हमने ये सारे पॉइंट समझे। तो मैंने आपको शुरुआत में जो सवाल बताए थे उनके सवालों के जवाब मैंने आपको पूरे थ्रू आउट सेशन में दिए हैं कि क्या नेचर है, क्यों जो है वो दिल्ली को चुना गया, अंग्रेजों ने उसके बाद क्या स्टेप्स लिए। अंग्रेज उसके बाद बहुत केयरफुल रहे, उन्होंने सारी भारत के सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को खत्म करके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों का एस्टेब्लिश कर दिया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। अब कोई जो है सब्सिडरी अलायंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कंपनी का राज नहीं, अब केवल ब्रिटिश क्राउन का राज, और ब्रिटिश क्राउन के अंदर ये प्रोविंसेस, और इन प्रोविंसेस में ब्रिटिश अधिकारी जो गवर्नर के तौर पे और उनकी काउंसिल्स का राज। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 जो एक्ट आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत क्वीन का शासन रहेगा और क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव एक सेक्रेटरी टू द स्टेट के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा भारत में। ठीक है, ये फैसला लिया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। सो दिस वॉज द होल टॉपिक टूडे। अंत में मैं फिर से यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए वही जानकारी देना चाहूंगा कि अगर वो यूपीएससी के लिए थॉरो तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे एक पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। 1300 से ज्यादा वीडियोस है हर एक टॉपिक की, एवरी टॉपिक इज थॉरली इंक्लूडेड इन दैट कोर्स। अगर डेली अपडेट चाहते हैं बच्चे, डेली एनालिसिस चाहते हैं न्यूज़पेपर या मैगजीन्स का, डेली क्विजेस चाहते हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो जो व्यक्ति थॉरली प्रिपेयर करना चाहता है वो जाइए वेबसाइट पर, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए अपने आप को जल्द से जल्द। तो आज के सेशन में हमने पूरे के पूरे 1857 के रिवॉल्ट को समझा और उससे जुड़े हुए सभी पहलुओं को हमने डिटेल में समझने की कोशिश की और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश किया कि क्या क्या चीजें जुड़ी हुई 1857 के रिवॉल्ट के साथ। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं आगे आने वाले सेशन में और ऐसे टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। जुड़े रहिए स्टडी आईक्यू के चैनल के साथ। धन्यवाद।